बॉलीवुड के हैंडसम हंक टाइगर श्रॉफ को तो सभी जानते ही होंगे। वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के इकलौते बेटे हैं। वैसे तो टाइगर श्रॉफ ने अपने पिता जैकी श्रॉफ से हटकर अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। वो बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर बॉलीवुड में नाम बनाने में सफलता हासिल की है। टाइगर का नाम सुनकर आजकल की यंग जनरेशन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। सभी उनके बेहतरीन डांस मूव्स और उनके परफेक्ट फाइटिंग एक्शन सीन्स के दीवाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ समय से टाइगर सिंगिंग लाइन में भी अपना हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं और उनके फैंस उनका पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। टाइगर जल्दी ही आयुष्मान खुराना की तरह मल्टी टैलेंटेड स्टार बन जाएंगे। सबको अपना दीवाना बनाए रखने वाले टाइगर हाल ही में अहमद खान की फिल्म हीरोपंती 2 में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आई थी। इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद तो किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। अब टाइगर जल्दी ही अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 4 में लीड रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड की सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में काम करती हुई नजर आ सकती हैं। इससे पहले भी श्रद्धा बागी सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं और अब एक बार फिर उनकी और टाइगर की जोड़ी बड़े पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आएंगी। बात करें अगर फिल्म के डायरेक्शन की, तो आपको बता दें कि फिल्म को जाने माने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। टाइगर और श्रद्धा के साथ फिल्म में और भी कई नामी कलाकार सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में काम करने के लिए सपोर्टिंग एक्टर को डिसाइड करके उन्हें अप्रोच करने के काम कास्टिंग टीम कर रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा, फिल्म में नजर आने वाले लीड एक्टर को फिल्म के डायरेक्टर खुद अप्रोच करके फाइनलाइज करते हैं और बाकी के एक्टर्स को फिल्म की कास्टिंग टीम उन्हें अप्रोच कर फाइनलाइज करती है। फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट करने का काम बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा कर रहे हैं। वो इससे पहले भी बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ उनकी फिल्म में स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम कर चुके हैं। उन्होंने सूरज बरजात्या, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, अभिषेक मुखर्जी और करण जौहर जैसे और भी कई बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है और अब अहमद खान की इस अपकमिंग फिल्म के लिए एक बेहतरीन स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम करेंगे। फिलहाल मुकेश फिल्म के लिए एक विलन को कास्ट करने का काम में बिजी हैं। उन्होंने अब तक कई एक्टर्स को फिल्म और विलन के रोल निभाने के लिए कास्ट किया है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही वो फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार ही विलन के कैरेक्टर प्ले करने के लिए किसी एक्टर को अप्रोच करेंगे। खबरों की माने तो मुकेश विलन का रोल निभाने के लिए पहले साउथ के एक्टर सुधीर बाबू को अप्रोच करने वाले थे। सुधीर ने इससे पहले इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म बागी में भी विलन का रोल प्ले किया था, लेकिन अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अपना मन बदल लिया है और वो फिल्म में फ्रेडी दारूवाला को विलन के रोल में अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कुछ न्यू कमर्स का ऑडिशन ले रहे हैं और ऑडिशन खत्म होने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि बागी 4 में कौन विलन का किरदार निभाएगा, सुधीर बाबू, फ्रेडी दारूवाला या फिर कोई और। बात करें अगर सुधीर और फ्रेडी की, तो आपको बता दें कि ये हमारे मॉडर्न इंडियन सिनेमा के उन विलन्स में से एक हैं जो फिल्म के हीरो को सेक्सी लुक्स और हैंडसम होने में बराबर की टक्कर देते हैं। सुधीर बाबू टॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने टॉलीवुड सहित बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। वहीं फ्रेडी ने भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें पहचान अक्षय की फिल्म हॉलीडे में विलन का रोल निभाने से मिली है। ऑडियंस इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग से बहुत प्रभावित है और इतना ही नहीं, इन दोनों एक्टर्स को फिल्म में विलन का रोल प्ले करते हुए देखकर ऑडियंस ने ये भी कहा कि विलन इतना हैंडसम कब से होने लगा। वेल, हम तो यही कहेंगे कि अब ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ विलन भी हीरो जितने पॉपुलर और हैंडसम होते हैं। डायरेक्टर अहमद खान के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक यानी साल 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप बागी 4 में किसे विलन का किरदार निभाते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद। फ्रेंचाइजी की कौन सी स्टोरी हुई सबसे ज्यादा हिट? क्या होगी बागी 4 की स्टार कास्ट? कब से होगी बागी 4 की शूटिंग?
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अगर बात करें बागी फ्रेंचाइजी की तो बागी 2 की स्टोरी को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया। टाइगर के फैंस ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। 60 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 253 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन की। बागी 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी अदिवी शेष ने लिखी है। इस फिल्म में रणवीर प्रताप सिंह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर होते हैं। एक दिन उनको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से एक मैसेज मिलता है जो उससे हेल्प मांगती है। सालों पहले ब्रेकअप के बाद भी रणवीर यानी रॉनी छुट्टी लेकर लड़की की हेल्प के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि अगर वो किसी जरूरत में पड़ेगी तो वो उसके लिए जरूर हाजिर होगा। रॉनी रेहा से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर शादी से कुछ मिनटों पहले ही वो उनसे अलग हो गई थी। जबकि रणवीर अभी भी सिंगल है और नेहा की शादी शेखर दर्शन कुमार से हुई है और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम रिया बारबी शर्मा है। गोवा पहुंचने के बाद जब रॉनी नेहा से मिलता है तब वो ये जानकर चौंक जाता है कि 2 महीने पहले रिया को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और पुलिस बच्ची का पता नहीं लगा पाई। रॉनी के पास कोई सुराग नहीं है, बस उसके पास रिया की एक तस्वीर है। तब भी वो खोज शुरू करता है। नेहा रॉनी से बताती है कि उसके पास रिया की और कई तस्वीरें नहीं है। वो रॉनी को अपने हस्बैंड और देवर से भी नहीं मिलवाती है। रॉनी उस्मान की कार रेंटल एजेंसी से एक कार रेंट करता है। फिर जल्द उसे पता चलता है कि उस्मान सनी ने लिए ड्रग कैरियर के रूप में काम करता है। एक बार रॉनी लापता रिया के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी जारी करता है तो उसको एक रहस्य का पता चलता है। एक आदमी जो ये कहता है कि वो गोवा के बाहर रहता है रॉनी से संपर्क करता है और बताता है कि रिया मिस सिंह की बेटी है। फिर रॉनी को नेहा से हस्बैंड शेखर से भी मिलना का मौका मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी और नेहा की कोई बेटी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिया सच में है? अगर है तो कहाँ है और कोई तो झूठ बोल रहा है, नेहा या शेखर? अगर रिया का किडनैप नहीं हुआ तो वो गायब कहाँ हो गई? तो ये थी टाइगर श्रॉफ की बागी 2 जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वहीं बागी 3 का भी ऑडियंस रिस्पांस पॉजिटिव रहा, मगर बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब बागी फ्रेंचाइजी के फिल्म मेकर्स को ये तो पता चल ही गया होगा कि ऑडियंस कैसी स्टोरीज को ज्यादा पसंद करते हैं, और बागी 4 में भी फिल्म मेकर्स एक डिफरेंट स्टोरी के साथ ही आएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। किन जगहों पर होगी फिल्म की शूटिंग? कौन संभालेगा सेट डिजाइनिंग का काम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बागी इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस और इस फिल्म सीरीज के फैंस फिल्म के चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मशहूर कोरियोग्राफर, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले अहमद खान फिल्म के निर्देशन का काम संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस सारा अली खान के भाई और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम संभालते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर फिल्म में लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी टाइगर और श्रद्धा ने बागी और बागी 3 के साथ काम किया था, और अब एक बार फिर ऑडियंस को इन दोनों की पॉपुलर जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी कई और बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनमें फिल्म के हर डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले क्रू की एक लिस्ट बनाई जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत से शुरू की जा सकती है, और फिल्म की शूटिंग डेस्टिनेशंस डिसाइड करने का काम लोकेशन मैनेजमेंट टीम को दिया गया है। इस लोकेशन मैनेजमेंट टीम के हेड अभय एस दत्ता हैं, और उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा, साउथ इंडिया, थाईलैंड, तुर्की, दुबई, इजिप्ट और लंदन जैसी शानदार लोकेशंस सेलेक्ट की हैं। मेकर्स इन लोकेशंस में से किन्हीं 5 जगहों पर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें फिल्म के सेट की, तो आपको बता दें कि जब भी मेकर्स फिल्म की शूटिंग करते हैं तो उन्हें शूटिंग से पहले अपने सीन के हिसाब से सेट डिजाइन करवाना पड़ता है, जिससे कि फिल्म में रॉनेस आए और ऑडियंस को फिल्म पसंद आए। मेकर्स ने सेट डिजाइन की इस बात को विशेष महत्व देते हुए फिल्म के लिए कुछ नामी और टैलेंटेड लोगों को हायर किया है,
जाने माने सेट डिजाइनर कृष्णा स्वेन, जेलेना मिरकोविक और संदीप माहिर फिल्म के अलग अलग सीन्स के हिसाब से सेट डिजाइनिंग का काम संभालते हुए नजर आएंगे। टाइगर और श्रद्धा स्टारिंग ये फिल्म अगले साल के अंत तक या फिर साल 2024 की शुरुआत तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। कितनी होगी टाइगर श्रॉफ की फीस बागी 4 में? कौन गाएगा फिल्म के गाने? क्या फिल्म के फैंस भूल जाएंगे खान्स को? नमस्कार दर्शकों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइजी की अगली मूवी बागी 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बागी फ्रेंचाइजी एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जिसकी सारी ही फिल्मों का हिट होना तो तय है। बागी, बागी 2 और बागी 3 अब तक बहुत हिट हुई हैं और अब देखना ये है कि क्या बागी 4 भी उतनी ही हिट जाती है। आप सभी को बता दें कि ऑडियंस की उम्मीदों से तो ऐसा लगता है कि बागी 4 फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हिट जाएगी और उसके बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आएगी और इसी के साथ हमें बहुत सारा क्राउड इंटरनेट पर दिखाई देगा इस फिल्म को देखता हुआ। ये फिल्म ऑडियंस के बीच बहुत ही हिट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए फीस ली है। जी हाँ दर्शकों, 30 करोड़। इसी के साथ साथ फिल्म की हीरोइन को 8 करोड़ में फाइनल किया गया है। फिल्म में विलन का होना तो कोई अहम बात नहीं है क्योंकि बागी की सारी सीरीज में आपने ध्यान दिया होगा कोई भी मेन विलन नहीं है। बस इतना दिखाया जाता है कि टाइगर श्रॉफ अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ते हैं और अपने प्यार को बचाने के लिए ढेरों दुश्मनों का अकेले सामना करते हैं। तो इसी के साथ साथ फिल्म का कोई भी विलन फाइनल नहीं हुआ है अब तक। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। पहली वजह, टाइगर श्रॉफ। अगर आप कोई ऐसे हीरो को पसंद करते हैं जो सिर्फ हीरोगिरी में नहीं है बल्कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाता है तो आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए क्योंकि टाइगर श्रॉफ एक ऐसी ही वजह है। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे हीरो है जो बहुत डाउन टू अर्थ है और उनकी फिल्में ऑडियंस अपने से कनेक्ट कर पाती है। दूसरी वजह है फिल्म की लॉन्ग लास्टिंग सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जो काफी समय से आ रही है और इसकी आगे भी बहुत सी फिल्में आना तय है। ये सीरीज बहुत ही हिट जाने वाली है आगे और इसीलिए आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। अगली वजह है फिल्म के VFX। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ एक ऐसे हीरो हैं जो कभी भी VFX का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फिल्म में VFX और एडिटिंग बहुत ही लिमिटेड होगी और ज्यादातर सीन्स हमें ओरिजिनल देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमें फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। अगली वजह है स्मॉल बट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स। जी हाँ दर्शकों, बागी की तीनों फिल्म्स में हमें देखने को मिला कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर गए। खान्स की तरह नहीं, खान्स की फिल्मों में हमें देखने को मिलता है कि मेन एक वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन बागी की फिल्मों में हमने ये देखा है कि फिल्म के छोटे छोटे कैरेक्टर्स बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। और अगला रीजन है फिल्म के गाने। फिल्म के गाने बहुत ही हिट होते हैं। फिल्म के गाने ऑडियंस को इतने पसंद आते हैं कि अब तक बागी की सीरीज का गाना सब तेरा और लो सफर शुरू हो गया ऑडियंस सुनती है और इन गानों को एंजॉय भी करती है। तो फिल्म ऑल इन ऑल परफेक्ट पैक होने वाली है एंटरटेनमेंट का, एक्शन का, रोमांस का, ड्रामा का। तो इस फिल्म को देखने आप जरूर जाएं और हाँ, हमें ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। खैर, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर चटपटी खबरों के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइगर बाकी स्टारकिड्स से डिफरेंट? अगर अभिनेता नहीं होते तो क्या होते टाइगर? क्या श्रद्धा ही है राइट चॉइस बागी 4 के लिए? मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, पर मेरे भाई पर आती तो मैं फोड़ देता। ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। फिल्म में लिमिटेड पर इफेक्टिव डायलॉग और एक्शन के कारण फेमस हुए टाइगर श्रॉफ आज के समय में काफी चर्चा में है और चर्चा में हो भी क्यों ना। इतने कम समय में एक से एक हिट फिल्में जो उनकी झोली में आती जा रही हैं
और अब उनकी अपकमिंग हिट सीरीज बागी का भी फोर्थ पार्ट आने के लिए भी रेडी है। आपको बता दें कि टाइगर स्टार के होने के बाद भी जैकी श्रॉफ जी ने इसका फायदा उन्हें नहीं उठाने दिया और फिल्म में सिलेक्शन उनकी काबिलियत के हिसाब से हुई, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही हुई। आपको बता दें कि साजिद ने पहली फिल्म के लिए टाइगर को ऑडिशंस के लिए बुलाया था और पूछा था कि यदि वो नहीं चले तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाके सेटल हो जाऊंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ टाइगर की बागी फिल्म के किरदार रॉनी की कुछ क्वालिटीज के बारे में, जो कि यदि आप सब में भी होगी तो आप भी इस किरदार को खुद से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और इस मूवी को देखने के लिए थिएटर जरूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बॉस। बागी, रिबेल। बागी शब्द वैसे तो कोई अच्छा शब्द नहीं है और ना ही बागी होना कोई अच्छी बात है। बागी का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं मानता और ना ही किसी की सुनता है, बस हर जगह सिर्फ अपने मन की करता है, चाहे वो सही हो या गलत। पर जैसे पार्ट वन में रॉनी के गुरु ने रॉनी को सिखाया था कि बागी बनो पर किसी पॉजिटिव रीजन के लिए, सिपाही और बागी में यही डिफरेंस है कि वो एक नियमों के साथ चलता है और दूसरा बिना नियमों के। पर सिपाही तो हमेशा ही जीतता है और उसकी जीत हमेशा ही तय होती है, पर यदि बागी का उद्देश्य गलत हो तो उसकी हार होना तय है। वन मैन आर्मी। फिल्म में जैसी रॉनी अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ लेता है और अपने गुस्से को सही जगह निकालता है और दुश्मनों को खत्म करके खड़ता है, तो यदि आप में ऐसा जुनून है या आप ऐसा जुनून होल्ड करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, तो आपने सारे काम अकेले ही कर लिए होते हैं, तो आप भी रॉनी की तरह वन मैन आर्मी है। गुड फ्रेंड या लवर। फिल्म में जैसे पार्ट वन और टू में दिखाया कि श्रद्धा कपूर से ब्रेकअप के बाद भी उनके पिता सुनील ग्रोवर के कहने पर रॉनी श्रद्धा को बचाने के लिए सिंगापुर जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़ता है, और ऐसे ही पार्ट टू में दिशा के कहने पर आर्मी से छुट्टी लेके गोवा आ जाता है। तो यदि आपके जीवन में दोस्त इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप भी रॉनी जैसे ही हैं इमोशनल। यदि आप नेचर वाइज थोड़े इमोशनल हैं, फैमिली के लिए थोड़े सेंसिटिव हैं और फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे बागी 3 में रॉनी अपने भाई के लिए था जिसके लिए पूरे देश की आर्मी से वो अकेला ही लड़ जाता है और अपने, तो आप भी रॉनी के किरदार के लिए फिट बैठते हैं। पार्टी लवर। यदि आपको रेगुलर पार्टी करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना पसंद है और नए दोस्त बनाना भी आपको अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल ही रॉनी के जैसे हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ। यदि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं और साथ में हेल्दी फूड और रेगुलर वर्कआउट करना पसंद करते हैं, तो आप रॉनी के जैसे ही हो। ट्रुथ लवर। यदि आप सच के साथ जिंदगी जीते हैं और सच के लिए आप अकेले लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं और अपने रिलेशन, जॉब या दोस्ती को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच डिप्लोमेटिक नहीं रहते और आपकी एक अपनी खुद की सोच है और आप अपनी एक खुद की सोच होल्ड करते हैं, तो आप भी रॉनी के जैसे हैं। सोशल बट नॉट सेल्फिश। यदि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और मुश्किल वक्त में दूसरों के काम भी आते हैं, तो आप रॉनी के जैसे हैं। ये थी रॉनी की कुछ क्वालिटीज। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितनी आपसे मिलती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को। क्यों हुए टाइगर अलर्ट? कौन है शिफोजी शौर्य? कैसे निकले शौर्य अपनी ही कंट्रोवर्सी से? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और आज हम फिर बात करेंगे अहमद खान डायरेक्टर मूवी बागी 4 की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मूवी 2023 के शुरुआत में सिनेमाघरों में आएगी और इसकी शूटिंग भी 80% लगभग हो चुकी है। और 2023 के शुरुआत में फिल्म में टाइगर के अलावा सारा अली खान होगी, साथ ही शौर्य भरद्वाज होंगे।
इस फिल्म की शूटिंग की ज्यादातर भारत में ही हुई है, पर कुछ सीन्स विदेशी में भी शूट किए गए हैं। फिलहाल टाइगर अपने आने वाली फिल्म गणपत के प्रमोशंस में बिजी हैं, इसलिए हो सकता है इस फिल्म के रिलीज के बाद वे बागी 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस साल आई उनकी मूवी हीरोपंती 2 फ्लॉप हो गई है, जिससे अब टाइगर और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और अब वे फिल्म को साइन करने से पहले बहुत गंभीरता से स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। हीरोपंती 2 के फ्लॉप हो जाने से ये बात तो पक्की है, अब इसके आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे। दोस्तों, फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत से लोगों को नई पहचान मिलती है। ऐसे तो फिल्म मेकिंग में बहुत से लोग काम करते हैं और हम फिल्मों में बस उन्हीं को जानते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं। फिल्म बागी से बहुत से कलाकारों को नई पहचान मिली है और उन्हीं में से एक है बुलंद आवाज, टफ पर्सनालिटी वाले ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भरद्वाज। ये बागी और बागी 2 का हिस्सा थे। बागी में रोनी के गुरु और बागी 2 में रोनी के सीनियर का रोल निभाया था। वैसे तो ये एक अच्छी और समर्पित फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता रुद्रभन के भरद्वाज एक जाने माने पहलवान थे, साथ ही वे गन कैरेज फैक्ट्री में कर्मचारी भी थे। इनकी माँ एक टीचर थी जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। इनके एक भाई भी हैं जो कि आर्मी में है और एक बहन है और ये घर में सबसे छोटे हैं। इनका विवाह 8 फरवरी 1991 में हुआ था और इनकी स्पाउस का नाम है स्वर्णिम आरती तिवारी एस भरद्वाज है। इनके 4 बच्चे हैं और शौर्य वर्तमान में कमांडो ट्रेनर, एक्शन डिजाइनर, एक्शन ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ऑफ इंडियन एंड इजराइल फाइटिंग सुपरस्टार्स आदि के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बागी से ही उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला है, बल्कि वे पिछले 20 साल से बॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बहुत सी मूवीज जैसे मॉर्टल कम्बैक, द बर्नी सुपर में से बाहुबली, बागी एंड अदर्स के एक्शन सीन्स के लिए दी है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्टर्स जैसे इजराइल एक्ट्रेस गलित जायट, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, काजोल देवगन, टैगे श्रॉफ, अहन शेट्टी, जॉन इब्राहिम, सुधीर बाबू, श्रद्धा, लीजा रे, अमित ठाकरे, नूरा फतेही एंड वरिंदर सिंह घुमान एक्सेट्रा को मेंटरशिप और एक्शन सीन्स के लिए ट्रेनिंग किया है। और इसके अलावा वे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रोग्राम्स के नाम हैं मिट्टी सिस्टम, SASS 9, मिशन परिहार और जय हिंद ब्रो एक्सेट्रा। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू वो लाखों लोगों को आर्मी के लिए ट्रेन कर चुके हैं। और उनके लाइफ की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी यही थी कि उनकी आइडेंटिटी ग्रैंड मास्टर शिफूजी सही है या नहीं, जिसके लिए उनके खिलाफ केस फाइल किया गया था कि क्या शिफूजी नाम का कोई आदमी आर्मी में था, जिसमें आर्मी वाले ने साफ मना कर दिया था कि हमारे डिपार्टमेंट में इस नाम का कोई कमांडर नहीं था, जिसमें शौर्य ने दावा किया कि उन्होंने आर्मी में भी कभी काम नहीं किया था और बस आर्मी ऑफिसर को ट्रेन किया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको क्लीन चिट दे दी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लेते हैं इजाजत, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहे, सेफ रहे, बने रहिए मेरे साथ। फिल्म का फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या साउथ की एक्ट्रेस होंगी फिल्म का हिस्सा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म बागी 4 को लेकर इस फिल्म सीरीज के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ लीड रोल में अपना शानदार अभिनय और एक्शन स्टंट से ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। टाइगर इससे पहले भी बागी सीरीज की पिछली सभी फिल्मों में लीड रोल में काम कर चुके हैं और अब बागी 4 उनकी बागी सीरीज की चौथी फिल्म होगी। वहीं बात करें अगर फिल्म में नजर आने वाली लीड एक्ट्रेस की, तो आपको बता दें कि जहां तक बागी सीरीज की पहली सीरीज में श्रद्धा कपूर नजर आई थी, बागी 2 में टाइगर श्रॉफ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटानी और बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर नजर आई थी, वहीं अब बागी 4 में बॉलीवुड की इन दोनों एक्ट्रेस सहित कोई और भी एक्ट्रेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब मेकर्स ने इस फिल्म में टॉलीवुड की एक्ट्रेस की एंट्री करने जा रहे हैं। मेकर्स ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर साउथ की कोई एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा होंगी तो
ऐसे में साउथ की ऑडियंस भी इस फिल्म को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। साउथ की एक्ट्रेस को कास्ट करना फिल्म के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मेकर्स ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर और सुंदर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को फिल्म बागी 4 में फीमेल लीड रोल में काम करने के लिए अप्रोच किया है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म की फीमेल लीड को लेकर अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स की साउथ की ये सुंदरी बॉलीवुड की डीवा में से किसे अपनी फिल्म के लिए चूज करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेकर्स ने फिल्म में होने वाले सभी एक्सपेंसेस पर नजर रखने के लिए और कहां पर किस हिसाब से कितना एक्सपेंस किया जाए, इन सब चीजों का ध्यान देने के लिए मेकर्स ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया है। फिल्म के इस एक्स्ट्रा क्रू का हिस्सा होने वाली अदिति शेखरी फिल्म में होने वाले सभी एक्सपेंसेस को लेकर मेकर्स को एडवाइस देंगी। वो इससे पहले भी कई फिल्मों में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर चुकी है और उनके द्वारा दी गई एडवाइसेस फिल्मों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्लैड स्टूडियो से। यहां हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप श्रद्धा को एक्शन स्टंट परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। क्या होता है डायरेक्टर भी इम्पोर्टेंट फिल्म में? कैसे बचे अहमद खान मौत से? कहां पे होना है बागी 4 का शूट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। जागो राके साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक नई वीडियो के साथ और आज फिर हम बात करेंगे टाइगर और सारा की अपकमिंग मूवी बागी 4 से जुड़ी और भी कई बातों के बारे में। किसी भी फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए सिर्फ स्टार्स या एक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, उसके पीछे की टीम भी उतनी ही मेहनत करती है जितना की बाकी एक्टर्स, जिसका जिक्र हम बहुत ही कम करते हैं या ऑफकोर्स करते ही नहीं है। हीरो के अलावा फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का भी उतना ही महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बागी सीरीज के डायरेक्टर अहमद खान के बारे में, जिनके बेहतरीन डायरेक्शन के कारण बागी सीरीज एक सक्सेसफुल सीरीज बन गई। वैसे बॉलीवुड में अहमद खान की पहचान एक कोरियोग्राफर के लिए ज्यादा है और कम ही फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। ये बात अलग है कि उनको उसमें भी अच्छी सफलता मिल गई। अहमद खान का जन्म 3 जून 1974 को पुणे में हुआ था और बॉलीवुड में उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट से किया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म जैसे ताल, पाठशाला और गजनी फिल्म में कोरियोग्राफी की। वो बहुत से डांस शो को भी जज कर चुके हैं और वो डांस शो को भी इतनी अहमियत नहीं देते, इसीलिए 3 साल में एक शो जज करते हैं। भगवान की उन पर बड़ी मेहरबानी है, इसीलिए वो 2 बार मौत के मुंह से बच निकले। पहली बार सितंबर 11 के 2 दिन पहले तक वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शूट कर रहे थे और दूसरी बार 2004 में आई सुनामी में वो उसी होटल में रुके थे जहां सुनामी से तबाही मच गई थी और वो होटल भी तबाह हो गया था, पर उन्होंने आखिरी मिनट में ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। उनके अभी तक के सफर में भी उन्होंने बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स, AIBA अवार्ड्स, SIC अवार्ड्स, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन अवार्ड ऑफ 2016, स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन, पावर ब्रांड ज्यूरी अवार्ड फॉर जी एक्शन, जी बिजनेस अवार्ड, इनमें से कुछ फेमस अवार्ड के नाम है। अब बात करें बागी 4 की, तो सूत्रों से पता चल गया है कि फिल्म की पूरी शूटिंग भारत में ही होगी और सिर्फ कुछ गानों के लिए ही चाइना की शंघाई शहर को चुना गया है, जिसमें फिल्म का टाइटल ट्रैक भी शामिल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स। हम बात करने वाले हैं फिल्म बागी 4 की। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 से रिलेटेड कई सारी खबरें हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ आप सबके बीच नई खबरें लेकर।
सुनने में आया है साजिद नाडियाडवाला की कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट ने प्राइम वीडियोस के साथ हाथ मिला लिया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमें ये फिल्म अब अमेज़न प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ फिल्म की कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। फिल्म की हीरोइन के लिए सबसे पहला नाम सामने आ रहा है, वो है सारा अली खान का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है और इस फिल्म में हमें सारा अली खान के दिखाई देने की बहुत उम्मीद है। सारा अली खान का जन्म 1995 में हुआ था। ये अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2018 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी दो बड़ी फिल्मों से, केदारनाथ और सिम्बा। दोनों ही सुपर हिट गई और इसी के साथ इन्होंने अपने नाम कर लिया था फिल्म फेयर अवार्ड। 2019 की फोर्ब्स 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी सारा अली खान का नाम आ चुका है और इसी के साथ सारा अली खान इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है। सारा अली खान इस समय बहुत फेमस है और सारा अली खान के अभी दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक है विक्की कौशल स्टारर द इमॉर्टल अश्वत्थामा। वो इन दोनों की ही शूटिंग में बिजी है और जल्द ही हमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इसी के साथ साथ बागी 4 की ऑफिशियल कास्ट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि हमें हीरोइन के रूप में सारा अली खान ही नजर आएंगी। सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में साथ नजर आएंगे और इस फिल्म को हिट करेंगे। अब देखना ये है कि ये फिल्म हिट होती है या नहीं। क्या सारा अली खान फिर से ऑडियंस पे अपना जादू चला पाएंगी, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कौन है राधिका हमशक्ल? क्या है कहानी बागी 4 की? कौन गाने वाला है बागी 4 का आइटम नंबर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आंचल वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीब्लास्ट स्टूडियोज में। ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। इतने खड़क और टफ पर्सनालिटी वाले टाइगर वैसे तो आए दिन खबरों में बने रहते हैं, पर इस बार वे अपनी फिल्म बागी के चौथे पार्ट के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है ऐसी खास खबर टाइगर की। बागी 4 की वैसे तो सभी इंतजार कर रहे हैं और फिल्म का बजट, लोकेशन, स्टार कास्ट सब फाइनल हो चुका है और फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी खत्म हो गई है और शूट भी शुरू हो चुकी है और खत्म होने की कगार में है। तो आपको बता दें क्या होने वाली है फिल्म का प्लॉट। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो इस बार अहमद खान करने वाले हैं थोड़ा सा कॉपी दूसरी फिल्म से, जो कि टाइगर की ही मूवी है। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 में दिखने मिलने वाले हैं रॉनी का डबल रोल। वैसे तो डबल रोल वाली बहुत सी मूवीज आ चुकी है जिसमें दोनों रोल अंत में एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं, पर इस मूवी में रॉनी ही रॉनी के खिलाफ लड़ेगा। टाइगर का डबल रोल वैसे तो उनकी मूवी वॉर में भी देखने को मिला था। फिल्म के आखिरी में पता चलेगा दूसरे रॉनी का सच और क्या वो बना असली रॉनी का दुश्मन। हमारे खबरों से पता चला कि बागी 4 की कहानी काफी सिंपल होने वाली है। ये कहानी रेड अलर्ट एरियाज पर बेस्ड होगी जिसमें रॉनी उन एरियाज में अपना बिजनेस करता है और अपना सामान आस पास की जगह में भी सप्लाई करता था, पर एक बार एक लड़की उन एरिया से गायब हो जाती है, शायद किडनैप हो जाती है, जिस पे वे लोग पुलिस की मदद मांगते हैं पर वे मदद नहीं करती है। पर वे लोग रॉनी से काफी खुले मिले रहते हैं, इसलिए वो रॉनी से उस लड़की का पता लगाने के लिए बोलते हैं, जिस पे रॉनी का बागी का सफर शुरू होता है और धीरे धीरे वो किडनैपर के सरदार के पास पहुँच जाता है और लड़की को बचा के वापस ले आता है। कहानी भले ही सिंपल हो पर अहमद खान पक्का इसको प्रेजेंट करेंगे एक शानदार तरीके से। फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया है जो कि प्रियंका चोपड़ा या नौरा फतेही पे आधारित होगा। इस गाने को नेहा कक्कड़ गाने वाली है। फिल्म की शूटिंग किसी रेड अलर्ट एरियाज में होगी या उसका वैसा सेट तैयार किया जाएगा उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस कहानी में सारा का किरदार भी अभी निश्चित नहीं है। क्या वे अपहरण हुई लड़की का ही रोल करेगी या फिल्म में दिखने वाला है कोई और ट्विस्ट इन टर्न, ये तो वक्त ही बताएगा। तो क्या है सारा का रोल मूवी में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें बॉलीग्राड स्टूडियो से। नमस्कार। इन लोकेशंस पर होती है बागी फ्रेंचाइजी की फिल्मों की शूटिंग। कब से शुरू होगी बागी 4 पर काम? कैसा होगा टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की जोड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का ये फेमस डायलॉग तो आप सबको याद ही होगा। 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपनी डेब्यू मूवी में फैंस को अपने स्टंट्स का दीवाना बना लिया। उनकी फैन फॉलोइंग तो उनकी फर्स्ट मूवी के साथ ही बढ़ गई थी। आपको बता दें कि हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट कृति सैनन नजर आई थी। बागी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म बागी 2016 में रिलीज हुई थी और ऑडियंस ने इस मूवी को काफी पसंद किया। अब अगर बात करें बागी फ्रेंचाइजी के फिल्मों के शूटिंग लोकेशंस की, तो इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी बागी की शूटिंग इंडिया और थाईलैंड में पूरी की गई थी। इस एक्शन थ्रिलर मूवी के कुछ सीन्स केरला में शूट किए गए थे और इस मूवी के फाइट सीक्वेंसेस को थाईलैंड में क्रावी आइलैंड में शूट किया गया। बागी की शूटिंग पूरी होने में 10 महीने का टाइम लगा। वही बागी 2 का शूट मुंबई में एक सेट से शुरू किया गया। इस मूवी के कुछ सीन्स पुणे की एक यूनिवर्सिटी में भी शूट किए गए और आगे की शूटिंग को मनाली, थाईलैंड, चीन, गोवा और लद्दाख में पूरा किया गया। अब अगर बात करें बागी 3 की शूटिंग के बारे में, तो इस मूवी की शूटिंग को सर्बिया में पूरा किया गया। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हम सीरिया में शूट करना चाहते थे, मगर अब वो इस फिल्म की शूटिंग सर्बिया से पूरी करेंगे। खबरों की माने तो बागी 4 की शूटिंग इंडिया में भी होगी। बागी 4 की शूटिंग बाकी की शूटिंग डिटेल्स को लेकर कोई खास खबर नहीं मिल पाई है। बागी 4 के लिए दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत जैसे नाम भी लिए जा रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। अभी इसकी स्टार कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। आप बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ किसको देखना पसंद करेंगे, दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। कौन सिखाएगा टाइगर को स्टंट्स? क्या श्रद्धा भी करेंगी एक्शन सीन्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस और इस बागी फिल्म सीरीज के फैंस आए दिन फिल्म से जुड़ी बातें जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। फैंस बागी सीरीज के चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर अहमद खान फिल्म की निर्देशन की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर फिल्म के लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी टाइगर और श्रद्धा की ये जोड़ी बागी सीरीज की ही पहली फिल्म बागी और उसके बाद बागी 3 में साथ काम करते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर ऑडियंस को श्रद्धा और टाइगर की ये शानदार जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल फिल्म मेकर्स की स्क्रिप्टिंग में बिजी हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही मेकर्स ने फिल्म के स्टार कास्ट के लिए विशेष इंतजाम किया है और ये विशेष इंतजाम उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ फिल्म में ओरिजिनलिटी लाने के लिए भी काफ़ी है। जैसे कि हम सबको पता है कि बागी एक एक्शन फिल्म सीरीज है और इसमें ऑडियंस को भरपूर एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक्शन सीन्स परफेक्ट हों और सीन्स करते टाइम एक्टर्स हर्ट भी ना हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने फिल्म के लीड हीरो टाइगर श्रॉफ के लिए स्टंट कोच हायर कर दिया है, जो कि टाइगर को स्टंट करना सिखाएंगे। वैसे तो टाइगर को स्टंट परफॉर्म करने में महारत हासिल है, लेकिन
कुछ नए और यूनिक एक्शन सीन्स परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसी ट्रेनिंग के लिए मेकर्स ने लक्ष्मण चेला, मिलन अलावांजा और डैलिबोर कॉस्टिक को हायर किया है। ये लोग सिर्फ टाइगर को ही नहीं बल्कि श्रद्धा को भी स्टंट परफॉर्म करने की ट्रेनिंग देंगे। जहां एक और श्रद्धा बागी सीरीज की पिछली फिल्मों में डरी, सहमी और नॉर्मल एक्शन सीन्स के साथ नजर आई थी, अब वो उससे एक कदम ऑपोजिट खतरनाक एक्शन करती हुई नजर आ सकती हैं। श्रद्धा का ये संत से शैतान वाला कैरेक्टर शायद ऑडियंस को बेहद पसंद आए। टाइगर और श्रद्धा स्टारिंग ये फिल्म अगले साल के अंत तक यानी 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। हरियाणा का कलाकार करेगा फिल्म में काम। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बागी सीरीज बॉलीवुड की उन पॉपुलर एक्शन फिल्म सीरीज में से एक है जिन्हें ऑडियंस ने दिल खोलकर प्यार दिया है और फुल सपोर्ट किया है। ऑडियंस द्वारा मिले इस सपोर्ट और ढेर सारे प्यार की वजह से ही इस सीरीज की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने में सफल रहती हैं। खबर है कि बागी सीरीज की चौथी फिल्म यानी बागी 4 को लेकर फिल्म के मेकर्स जल्दी ही काम शुरू कर सकते हैं। फिल्म में एक बार फिर एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ मेन लीड में अपने शानदार सीन्स और दमदार अभिनय से ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। वही बात करें अगर फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस की, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड की सुंदरी और ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से पॉपुलर रहने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म में फीमेल लीड रोल में नजर आ सकती हैं। फिल्म में टाइगर एक शानदार लुक में नजर आएंगे। फिल्म में टाइगर और श्रद्धा एक साथ कई और सितारे भी नजर आ सकते हैं। फिल्म में काम करने वाले सपोर्टिंग एक्टर्स में इस समय अजय सिंह का नाम चर्चाओं में है। अजय हरियाणा के एक सिंगर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और हरियाणा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका काफी नाम है। वो अब इस फिल्म बागी 4 के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अब वो फिल्म में किस रोल में नजर आएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेकर्स ने अभी इस बात को लेकर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी है। साजिद नाडियाडवाला ग्रैंड सन प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही ये फिल्म अगले साल यानी 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में फिल्म के रिलीज को लेकर कई बड़ी और नई खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो मेकर्स फिल्म को अब सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी खबरें एकदम बेसलेस हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime के साथ एक डील साइन की है, जिसमें उनके प्रोडक्शन के तले बनी हुई फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने के कुछ महीने बाद उनके OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएंगी। तो अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने फेवरेट बागी को सिनेमाघरों में एक्शन सीन करते हुए देख पाएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर भी रिलीज की जाएगी। आज की दुनिया में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। यहां हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये फिल्म कहाँ देखना पसंद करेंगे। ऐसा होगा बागी 4 का अंजाम? क्या लोग कर रहे हैं टाइगर की फिल्म को ट्रोल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आंचल वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता, ये डायलॉग तो हम सब ने सुना ही हुआ है टाइगर की जुबान से। एक्टर और डांसर टाइगर श्रॉफ ने अपने अमेजिंग डांस मूव्स से फिल्म देखने वालों के दिलों में लुभाना कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 2014 में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म वीरपंती के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि एक्टर को साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बागी के लिए काफी सराहना मिली। सुपरहिट फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थे। बाद में दो सीक्वल बागी 2 और बागी 3 को भी 2018 और 2020 में रिलीज किया गया। टाइगर की एक्टिंग स्किल्स के अलावा उनके डायलॉग्स भी उनके फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। अब टाइगर वापस एक बार आ रहे हैं बागी 4 के साथ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। अब क्या ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? वैसे देखा जाए तो दोनों ही बेहतरीन हैं अपने अपने काम में। अहमद और डायरेक्टर की इस जोड़ी में अब उनके फैंस काफी उम्मीद कर रहे हैं। वही कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि फिल्म में टाइगर यानी बागी के अपोजिट दिखेंगे सारा अली खान और इन दोनों की जोड़ी को हम देखेंगे साथ में पहली बार। अब बाकी कास्ट तो रिवील नहीं की है, क्या हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा बागी 4 में? क्या इस बार कमाल दिखा पाएगी ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी?
ट्रोलिंग से बच पाएंगे टाइगर? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या फिल्म में नहीं यूज हुआ था वीएफएक्स का? आगे क्यों है टाइगर श्रॉफ बागी के एक्शन हीरो? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज जो है वो टाइगर के फिल्मी करियर की वन ऑफ द मोस्ट मतलब टॉप रेटेड फिल्मों में से एक मानी जाती है। वहीं ये फ्रेंचाइज बॉलीवुड की भी काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज है। ऐसे में इस फ्रेंचाइज के ऑलरेडी 3 पार्ट तो आ ही चुके हैं और जल्द ही इसके 4th पार्ट में हमें नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, वैसे टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो स्टार किड है जो अपने पापा की परछाई पे चलते हुए दिखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। देखिए, हवा में तो मुझे भी बातें करना अच्छा नहीं लगता। देखिए, इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है हमें बागी 3 के एक सीन में। इस सीन में दरअसल टाइगर जो है वो जंकयार्ड में गाड़ियों के बीच में से भागते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे ही सिमिलर सीन की, तो वो हमें देखने को मिला था टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ की फिल्म शपथ में, जहां वो फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसे ही दीवार के साइड से भागते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, टाइगर और जैकी दोनों को ही एक्शन फिल्म्स काफी ज्यादा पसंद है। बस इसीलिए टाइगर ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए अपने आप को एस्टैब्लिश किया है बॉलीवुड के यंग एक्शन हीरो के रूप में। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी ये सारी चीजों का क्रेडिट जाता है उन्हें खुद को और कहीं ना कहीं बागी फ्रेंचाइज को भी। दरअसल यही वो फिल्म थी जिससे उनके एक्शन सीन्स की ग्रोथ हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्म से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मेरे हाथ ये लगी है कि फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो 85% ओरिजिनल थे, वहीं सिर्फ 15% ही VFX का यूज किया गया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहना है फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का। उन्होंने बताया कि फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस किए गए उसमें से ज्यादातर बिल्कुल रियल थे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बागी में जिस लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे उनको मतलब असली में फिल्माया गया हो। अब इंडियन सिनेमा में भी काफी सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ज्यादातर मतलब VFX का ही रुख करते हैं इतने दमदार एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए। लेकिन आप और हम तो जानते ही हैं कि बागी बिल्कुल अलग ही है, वो हमेशा कुछ हटके दिखाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हमें बागी 4 में क्या हटके दिखता है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए, लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। है दुश्मनों का प्लान, क्या टाइगर वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहा दोस्तों बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना की एक लैब में हुई गड़बड़ी की वजह से रेफिकल वायरस पूरे चाइना में फैल जाता है और चाइना से फैलते फैलते वायरस इंडिया पहुंच जाता है, और जब इसकी खबर भारत सरकार को लगती है तब वो देश के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम उन्हें सौंप देते हैं, जिसमें हमारे टाइगर श्रॉफ भी शामिल होते हैं, जो भारत सरकार को वादा कर देते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए ना, ऐसे कैसे बीच में छोड़ दो। दरअसल भारत सरकार से वादा करने के बाद साइंटिस्ट की टीम रेफिकल वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाती है। लेकिन किसी भी वायरस का एंटीडोट बनाने से पहले वो वायरस कैसे बना है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ये रेफिकल वायरस कैसे बना ये दुनिया में किसी को नहीं पता होता, सिवाय चाइना की उस लैब के, और वहां से कुछ भी पता करना मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने अपने डिटेक्टिव्स जो चाइना में मौजूद थे उन्हें एक्टिवेट किया और ये वायरस कैसे बना ये जानने के लिए कहा गया, ताकि जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बन सके। इसके बाद इंडियन जासूस ने अपने नेटवर्क की मदद से वायरस कैसे बना ये पता लगाया। दरअसल ये वायरस किसी केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी की वजह से बन गया, और ये वायरस जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहां तेजी से फैलता है। ये जानकारी जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट की टीम को मिली,
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर उन्हें भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ देश के दुश्मनों ने इंडिया में धर्म के नाम पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हिंसा हो रहे इलाकों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दंगे ज्यादा ना भड़के। पुलिस के इलाके में आने के बाद दंगे होने लगभग बंद हो गए। अब भाई दुश्मनों को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था, तभी उन्हें पता चलता है कि भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वैक्सीन को लेकर भारत के अंदर ये फेक न्यूज फैला दी कि इससे लोग मर रहे हैं, और ये झूठी खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक बार दंगे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। और दंगों में ज्यादा भीड़ आने की वजह से जहां एक दिन में 1000 केस आ रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 को पार कर गया होता है, जिसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। अब एक तरफ दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि टाइगर आखिर ऐसा क्या रामबाण देंगे जिससे ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा। आप लोग ना इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ना हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। टाइगर ने दिशा अपने बारे में क्या दिशा दिखाई देगी बागी 4 में, कैसा होगा दिशा का रोल बागी 4 में। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो हाल ही में हमें करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नजर आए थे टाइगर श्रॉफ। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की डेटिंग की खबरें काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं। वहीं दोनों ने आज तक इन र्यूमर्स पर ना तो हाँ कहा ना ही ना, और इसी वजह से ये र्यूमर्स बढ़ते ही जा रही हैं। लेकिन हाल ही में ये भी र्यूमर्स आए कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों अलग हो चुके हैं। आपको बता दें दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ की फैमिली से भी काफी ज्यादा घुली मिली है, काफी ज्यादा ओपन है एक दूसरे की फैमिली से दोनों। साथ ही दोनों को कई बार स्पॉट किया जाता है इंटरनेशनल वेकेशंस पे। वहीं मुंबई में भी उन्हें अक्सर डिनर और लंच डेट्स पर जाते देखा जाता है। आपको बता दें हाल ही में जब टाइगर श्रॉफ आए थे करण जौहर के शो पे, तो उन्होंने ये कहा जब करण जौहर ने उनसे पूछा कि क्या वो दिशा पाटनी को डेट कर रहे हैं या फिर क्या है उनका रिलेशनशिप स्टेटस, तो टाइगर श्रॉफ ने यही कहा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ मैं और दिशा बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। इसके बाद जवाब में करण जौहर कहते हैं कि अच्छा मुझे तो ये लगा कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट को आपने अपना रेस्टोरेंट ही बना लिया था, क्योंकि हर रविवार आप दोनों वहां डिनर पे मुझे देखे जाते थे। इसके बाद टाइगर श्रॉफ ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया कि मैं और दिशा सेम खाना खाना पसंद करते हैं, शायद इसलिए हम अक्सर जाते हैं डिनर्स पे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों अब भी रिलेशनशिप में हैं या हो चुका है उनका ब्रेकअप। साथ ही आपको बता दें बागी 4 के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि फिल्म में वो दिशा पाटनी को एक बहुत अहम किरदार देंगे। हालांकि वो लीड रोल नहीं होगा, दिशा पाटनी का फिल्म में कैमियो ही होगा, लेकिन वो काफी इम्पोर्टेंट कैमियो होगा। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। है दुश्मनों का प्लान क्या टाइगर जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना की एक लैब में हुई गड़बड़ी की वजह से रेफिकल वायरस पूरे चाइना में फैल जाता है और चाइना से फैलते फैलते वायरस इंडिया पहुंच जाता है, और जब इसकी खबर भारत सरकार को लगती है तब वो देश के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम उन्हें सौंप देती है, जिसमें हमारे टाइगर श्रॉफ भी शामिल होते हैं, जो भारत सरकार को वादा कर देते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। अब इसके आगे की कहानी हम आपको आज बताएंगे।
भारत सरकार से वादा करने के बाद साइंटिस्ट की टीम रेफिकल वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाती है, लेकिन किसी भी वायरस का एंटीडोट बनाने से पहले वो वायरस कैसे बना है इसके बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन अब ये रेफिकल वायरस कैसे बना ये दुनिया में किसी को नहीं पता सिवाय चाइना के उस लैब के, और वहां से कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंडिया ने अपने डिटेक्टिव्स जो चाइना में मौजूद थे उन्हें एक्टिवेट किया और ये वायरस कैसे बना ये जानने के लिए कहा गया ताकि जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बन सके। इसके बाद इंडियन जासूस ने अपने नेटवर्क की मदद से वायरस कैसे बना ये पता लगाया। दरअसल ये वायरस किसी केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी की वजह से बन गया और ये वायरस जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहां तेजी से फैल जाता है। ये जानकारी जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट की टीम को मिली उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ देश के दुश्मनों ने इंडिया में धर्म के नाम पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हिंसा हो रहे इलाकों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दंगे ज्यादा ना भड़के। पुलिस के इलाके में आने के बाद दंगे होने लगभग बंद हो गए। अब दुश्मनों को अपना प्लान फेल होते नजर आ रहा था, तभी उन्हें पता चलता है कि भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वैक्सीन को लेकर भारत के अंदर ये फेक न्यूज फैला दी कि इस वैक्सीन के ट्रायल में लोगों की जान जा रही है, और ये झूठी खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक बार दंगे होने शुरू हो जाते हैं जिसे पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। और दंगों में ज्यादा भीड़ आने की वजह से जहां एक दिन में 1000 केसेस आ रहे थे वहीं पर अब आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 पार कर गया, जिसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। अब एक तरफ दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है तो दूसरी तरफ वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इसके आगे की कहानी क्या होगा ये हम आपको दूसरे आगे के वीडियो में बताएंगे। क्या जूते भी बेचेंगे टाइगर? किस ब्रांड के जूते पहनते हैं टाइगर अपनी फिल्मों में? क्या कहा टाइगर ने अपनी दूसरी एक्शन ट्रिक को लेकर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे किससे टाइगर या बागी का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन तो हम बना ही देंगे। जैसे बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब एक नए फुटवेयर ब्रांड से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जापान की कंपनी A6 के एड फिल्म्स में नजर आने वाले हैं। जापानी कंपनी भारत में स्पोर्ट्स स्टाइल और एथलीटिक सेगमेंट में अपना प्रसार कर रही है। इस एसोसिएशन के साथ भारत में ग्लोबल हैशटैग #IMoveMe कैंपेन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया नया स्लोगन है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि ये ब्रांड हमेशा मेरे साथ रहा है, चाहे वो जिम हो या छुट्टियों के दौरान या घूमते वक्त, मेरे साथ ये ब्रांड हमेशा रहा है। ये ब्रांड मेरे फैशन और फिटनेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस एसोसिएशन का उपयोग मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को मूव करने और A6 द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि टाइगर जब भी कोई स्टंट करते हैं तो वो इसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं। ज्यादातर फिल्म्स की शूटिंग में जब एक्शन सीन्स होते हैं तो टाइगर इसी ब्रांड के शूज पहनते हैं। उनको लगता है किसी भी चीज को करने में सहज महसूस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शूज ही सही नहीं होगा, मैं कभी एक्शन सीन को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 आप भी एक्शन सीन्स करने के लिए ये शूज मत ले लेना कि शूज ले लिए तो एक्शन सीन तो हो ही जाएगा। नहीं, इसके लिए टाइगर पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। वॉर हो या बागी के एक्शन सीन्स, ये सब में टाइगर ने इसी ब्रांड के शूज पहने हैं। ऐसे ही कुछ ब्रांड के जूते फिर से वो बागी 4 में पहने दिखेंगे। उम्मीद करते हैं अब की बार आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। अगर अभी तक आपने उनकी फिल्मों में चेहरे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया तो अब से आप देना, आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा इस ब्रांड के दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को
आप जरूर पसंद करेंगे। और आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या है दुश्मनों का प्लान, क्या टाइगर वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था बागी 4 के बारे में, बागी 4 की स्टोरी के बारे में। वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। चाइना में एक तरीके का वायरस फैल जाता है जो धीरे धीरे पास ऑन होते इंडिया में भी आ जाता है। इंडिया में जब ये वायरस आता है तो इस वायरस की चेतावनी पूरे इंडिया में फैल जाती है और साइंटिस्ट को काम पे लगा दिया जाता है वैक्सीन या एनेक्डोट बनाने के लिए। इसी के बाद टाइगर भी उस स्पेशल टीम में होते हैं साइंटिस्ट की और वो लोग जतन कर रहे होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, पर कोई भी चीज काम नहीं करती। अब वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए वायरस की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इस वायरस की हिस्ट्री किसी को नहीं पता थी, तो इंडियन साइंटिस्ट चाइना में बैठे अपने जासूसों को एक्टिवेट करते हैं और उनसे हिस्ट्री निकलवाते हैं। हिस्ट्री में ये पता चलता है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसमें एक एक्सीडेंट के चलते वायरस पैदा हो गया और पूरे ही दुनिया में फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वायरस काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट बहुत कोशिश करते हैं वैक्सीन बनाने की, जो नहीं बन पा रही है। इसी के साथ साथ देश में दंगे फसाद भी चालू हो गए हैं धर्म के नाम पर। गवर्नमेंट पुलिस को उन जगहों पर खड़ा कर रही है जहां दंगे हो रहे हैं। जो दंगे करने वाले लोग हैं, विलन हैं, वो ये समझ जाते हैं कि कैसे इंडिया में एक वायरस फैल रहा है और इस वायरस की चपेट में जब लोग आएंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। वो कुछ नहीं करते, वो उससे रिलेटेड फेक न्यूज फैलाते हैं कि जो ट्रायल हो रहे हैं वैक्सीन के उसमें लोग मारे जा रहे हैं और यही फिर से भड़का देते हैं दंगे। और इसी बीच जहां एक दिन में 1000 केस आ रहे थे, अब एक दिन में 1,00,000 केस आने लगे हैं। इसके बाद की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमने बनाया खुद एक रिकॉर्ड, क्या फिल्म में दिखेंगे रेल गन जैसे वेपन्स? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और उनके फैंस की सबसे फेवरेट एक्शन सीक्वेंस बागी फ्रेंचाइज जल्दी अपने फोर्थ पार्ट के साथ एंट्री लेने वाली है। बागी फिल्म का नाम सुनती ना सबके दिमाग में बस यही सवाल आता है कि इस बार टाइगर कैसे एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे, इस बार क्या नया होगा। आपको बागी 3 का वो चॉपर सीन तो याद ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं ये सीन भी किसी फिल्म का रिक्रिएट वर्जन था? 2000 में आई सनी देओल की फर्स्ट आपको जरूर याद होगी, जहां सनी देओल ने एक डायनामिक एक्शन सीन किया था जहां माइन पर जैसे धमाका हुआ वो उसी बीच हेलीकॉप्टर को पकड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। सेम वही चॉपर सीन हमने बागी 3 में भी देखने को मिला था और शायद इस बार भी टाइगर श्रॉफ ऐसे ही जबरदस्त चॉपर सीन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जहां आर्मी होना ऐसे सीन होना काफी आम सी बात हो जाती है। चॉपर सीन के साथ साथ इस बार फिल्म में कई खतरनाक वेपन्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। बागी फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक हमने एक्शन जनर्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है और इसी के चलते इस बार फिल्म में ऐसे वेपन्स यूज होंगे जिन्हें आपने शायद सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा हो। इन वेपन्स में धूम फिल्म में यूज हुई बिग फ्लैगिंग गन, इरेजर फिल्म की रेल गन और साथ ही M55 रॉकेट्स और कई टैंक्स देखने को मिलेंगे। इसके चलते इस फिल्म का एक्शन सीन्स किसी जंग से कम नहीं होगा। आप इस फिल्म में कौन सा वेपन देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों, ये तो बात हुई वेपन्स और एक्शन से जुड़े सवालों की। इस फिल्म ने म्यूजिक में भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किया है और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस फिल्म में 10 बहाने 2.0 सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया था और ऐसा पहली बार हुआ था जब विशाल सेकर ने खुद के सॉन्ग को रिक्रिएट करके किसी फिल्म में गाया हो। 10 बहाने का ओरिजिनल सॉन्ग हमने 2005 में सुना था और पूरे 15 साल बाद इस सॉन्ग ने म्यूजिक लवर्स के दिलों में जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना। रॉनी का अगला मिशन,
दोस्तों आपने टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट सीरीज बागी तो देखी ही होगी। इसके लगातार 3 पार्ट्स आ चुके हैं और अब फैंस को इंतजार है इसके 4th पार्ट का, यानी बागी 4 का। मेकर्स ने भी बागी 4 की मेकिंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है और जल्द ही इस पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। बागी 4 की कहानी भी बागी की बाकी सीरीज की तरह ही रॉनी की लाइफ के इर्द गिर्द दिखाई जाएगी। तो क्या होगी बागी 4 की कहानी, चलिए हम बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है होम मिनिस्टर के ऑफिस से, जहां होम मिनिस्टर शिवकांत शाहू हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश राउत के साथ बैठा बातें कर रहा था। उनके बीच बातें हो रही थी कि अगर उन्हें अमेरिका और यूके की फार्म कंपनीज को अगर इंडिया में लाना है तो हमें कैंपेन करना ही होगा। कैंपेन के जरिए लोगों को लगेगा कि हम उनका मुफ्त इलाज करवा रहे हैं और बदले में हमें पाउंड्स और डॉलर्स में इन कंपनियों से पैसा मिलेगा। सो अलग शिवकांत शाहू पूछता है कितना दे रहे हैं ये, जिस पर प्रकाश राउत कहता है एक स्टेट का 20,000 करोड़। शिवकांत शाहू कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करो। एक बार में अगर इतने पैसे हमारे पास आ गए तो हमें किसी पार्टी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही अपने दम पर पार्टी खड़ी कर सकते हैं और सारे MLA भी खरीद सकते हैं, जिस पर प्रकाश राउत का असिस्टेंट कहता है पर अगर इन दवाइयों से किसी तरह का रिएक्शन हुआ तो जनता के सामने आपकी इमेज गिर जाएगी और लाखों लोगों की हेल्थ का सवाल भी है, जिस पर प्रकाश राउत कहता है तुझे क्या लगा हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी। शिवकांत शाह और प्रकाश राउत हंसते हुए उस असिस्टेंट को बताते हैं कि कल्याण और उधार दबे हुए लोगों का ही होता है, यानी ये कैंपेन भी उन्हीं के उधार के लिए होगा। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों किस उधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तो फॉरेन फार्मा कंपनीज को अपनी दवाइयां इंडिया में लीगल प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कराने का था। शिवकांत शाहू ने हंसते हुए कहा लगता है अभी तेरे समझ में कुछ आया नहीं, हम इन कंपनीज के कैंपेन गांव देहातों में ही करवाएंगे, जिससे कि अगर किसी तरह की मुसीबत भी आए तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अगर लोग मरने लगे तो आराम से कोई भी भूत प्रेत या बीमारी की अफवाह फैला दो, उन गवारों को क्या ही समझ आएगा कि दवाइयों से भी कोई रिएक्शन होता है या नहीं। अब असिस्टेंट को ये बात समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि रॉनी एक कमरे में अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने बॉक्सिंग और एयर किक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वो बाहर जाता है और गेट खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो रॉनी को देखता है, राम राम कहते हुए अपने दांत दिखाने लगता है। रॉनी उसे इशारों से नीचे देखने को कहता है, जिस पर वो आदमी अपने आईब्रोज उठाते हुए मानो उसे पूछ रहा हो क्या। रॉनी फिर नीचे की तरफ इशारा करता है और वो आदमी फिर से इशारे में रॉनी से मानो पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तो रॉनी फटकार लगाते हुए कहता है दांत ही दिखाओगे या फिर दूध भी दोगे। तब वो आदमी नीचे देखता है तो पाता है कि रॉनी के हाथ में पतीला था। वो आदमी कहता है माफ करना रॉनी भैया, हमें भी क्या है ना कि आपके जैसा मस्त हीरो वाला पर्सनालिटी चाहिए, आप हमारे हीरो है ना। हीरो क्या डोले है आपके, पूरे गांव में आपके जैसा सुंदर घटीला बदन किसी के पास नहीं। हम जब भी आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और कहकर हंसने लगता है। तभी रॉनी को उसकी बातें सुनकर रियलाइज होता है कि उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है और उस आदमी के कहने की ही देर थी कि रॉनी अपने हाथ से अपना शरीर ढकने लगता है। वो आदमी रॉनी का दूध वाला यानी मंगलू था। वो रॉनी को दूध का पतीला भर कर देता है पर रॉनी अपने हाथों से अपने शरीर को ढके हुए था, इसलिए वो कहता है कि मंगलू पतीला वहीं पर नीचे रख कर चला जाए, जिस पर मंगलू हंसते हुए कहता है क्या रॉनी भैया, आप तो लड़के लोग ऐसा शर्माते हैं, हम तो आपके अपने ही हैं, हमसे क्या शर्माना रॉनी भैया। रॉनी कहता है हाँ ठीक है तू जा, जिस पर मंगलू फिर मुस्कुराते हुए रॉनी को राम राम कहता है और अपने साइकिल पर सवार होकर वहां से चला जाता है। रॉनी भी आसपास देखता है और जल्द से दूध का पतीला उठाकर अंदर ले जाता है। रॉनी अंदर जाते ही जल्दी से एक टी शर्ट डाल लेता है और कहने लगता है अजीब लोग है, पहले खुद ऐसी बातें करके अनकम्फर्टेबल कर देते हैं और उल्टा सामने वाला का ही मजाक उड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी अपनी जिंदगी में कोई लड़का ही ना देखा हो, ऐसे छील जैसी नजरों से देखते हैं।
कहते हुए रॉनी दूध का पतीला उबालने के लिए चढ़ा देता है। तभी उसे कॉल आता है कि और दूसरे तरफ से आवाज आती है, एनी प्रोग्रेस? इस तरफ से रॉनी कहता है, नो सर बट आई विल सून फाइंड आउट। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हें एक महीना हो गया है मिशन पर गए हुए, पर अभी तक कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने नहीं आई। If you can't do this, just tell me. जिस पर रॉनी कहता है, I will certainly find out, sir. Please give me some more time. दूसरी तरफ से आवाज आती है, Okay. You are our potential and reliable soldier, but I can only give you 1 week. 1 week, or you have to come empty-handed. जिस पर रॉनी कहता है, I will not, sir. I will certainly not. जिस पर फोन कट हो जाता है और रॉनी फोन रख देता है। क्या थी रॉनी की असली पहचान, किसकी तलाश में था रॉनी, जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन है रॉनी, कितनी सिंपल है रॉनी की लाइफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्क, और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बागी 4 से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें, जिन्हें जानकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे भी पहले, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक जरूर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। बागी फ्रेंचाइज है लोगों की फेवरेट फ्रेंचाइज, और इस फ्रेंचाइज की 3 फिल्म बागी, बागी 2 और बागी 3, इन तीनों फिल्मों ने लोगों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एंटरटेन किया। और इस फिल्म की स्टोरी लाइन तो थी ही कमाल की, लेकिन इस फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ के एक्शन स्टंट्स ने तो इस फिल्म में जान ही डाल दी थी। अब टाइगर श्रॉफ अपनी हर फिल्म में अपने एक्शन स्टंट्स को एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं, तो बस इसी कारण से लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है बागी 4 का। मुंबई, मुंबई है लोगों के सपनों का शहर, जहाँ हर कोई अपने आंखों में कोई ना कोई सपना लेकर आता है। वैसे ही हमारा हीरो रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी मुंबई में रहता है एक छोटे से घर में, और उसका भी ये सपना है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मिलना तो कोई आम बात है नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था रॉनी के साथ भी। अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल और रिजेक्शन तो रॉनी फेस कर ही रहा था, लेकिन उसको अपनी छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, तो वो उसके लिए काम भी करता है। अब रॉनी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन वो फिल्मों में एज अ स्टंटमैन काम करता है, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं और वो अपना घर चलाता है, जिसके कारण रॉनी एक बहुत ही ज़्यादा आम जिंदगी जी रहा है। वो आम लोगों की तरह मेहनत करता है और अपना घर चलाता है। लेकिन रॉनी का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा था। अब उसके पापा तो थे आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी गवा दी। लेकिन उनके इस सेक्रीफाइस के बदले उन्हें वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत कभी नहीं मिली जो वो एक्चुअली में डिजर्व करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था रॉनी के पापा के साथ, और क्या रॉनी की ये सिंपल लाइफ इतनी ही सिंपल रहने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जूते भी बेचेंगे टाइगर, किस ब्रांड के जूते पहनते हैं टाइगर अपनी फिल्मों में, क्या कहा टाइगर ने अपनी दूसरी एक्शन ट्रिक को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे किससे टाइगर या बागी का क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो हम बना ही देंगे। जैसे बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब एक नए फुटवेयर ब्रांड से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जापान की कंपनी A6 के एड फिल्म्स में नजर आने वाले हैं। जापानी कंपनी भारत में स्पोर्ट्स स्टाइल और एथलेटिक सेगमेंट में अपना प्रसार कर रही है। इस एसोसिएशन के साथ भारत में ग्लोबल हैशटैग #IMoveMe कैंपेन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया नया स्लोगन है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि ये ब्रांड हमेशा मेरे साथ रहा है, चाहे वो जिम हो या छुट्टियों के दौरान या घूमते वक्त, मेरे साथ ये ब्रांड हमेशा रहा है। ये ब्रांड मेरे फैशन और फिटनेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है।
इस एसोसिएशन का उपयोग मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को मूव करने और A6 द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि टाइगर जब भी कोई स्टंट करते हैं तो वो इसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं। ज्यादातर फिल्म्स की शूटिंग में जब एक्शन सीन्स होते हैं तो टाइगर इसी ब्रांड के शूज पहनते हैं। उनको लगता है किसी भी चीज को करने में सहज महसूस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शूज ही सही नहीं होगा, मैं कभी एक्शन सीन को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 आप भी एक्शन सीन्स करने के लिए ये शूज मत ले लेना कि शूज ले लिए तो एक्शन सीन तो हो ही जाएगा। नहीं, इसके लिए टाइगर पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। वॉर हो या बागी के एक्शन सीन्स, ये सब में टाइगर ने इसी ब्रांड के शूज पहने हैं। ऐसे ही कुछ ब्रांड के जूते फिर से वो बागी 4 में पहने देखेंगे। उम्मीद करते हैं अब की बार आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। अगर अभी तक आपने उनकी फिल्मों में चेहरे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया तो अब से आप देना, आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा इस ब्रांड के दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे और आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। होगी एंट्री, कौन है रॉनी का दोस्त, कहां पहुंचा है, देखते हैं क्या होगी बागी 4 की स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस से, जहां स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ के बीच में रॉनी किसी को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है और उस चक्कर में वो काफी सारे स्टूडेंट से टकरा भी रहा है और सबको सॉरी बोलता हुआ जा रहा है और मन में ही कहता है कहाँ है ये साला रोहन। वो जानता है कि मुझे अकेले कॉलेज जाना पसंद नहीं है, फिर भी ऐसा ही करेगा। तभी उस क्राउड के बीच में से एक आवाज आती है जिसे सभी सुन चौंक जाते हैं और वो कोई नहीं रोहन ही होता है, जो कहता है रॉनी जिसे तू ढूंढे हर जगह वो है यहाँ। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं, लेकिन रॉनी मुंह बिगाड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है क्या यार रोहन, क्या है ये और कहाँ था तू। रॉनी के इतने सारे सवाल सुन रोहन कहता है रिलैक्स भाई, यही हूँ मैं, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चल अब क्लास को पढ़ाने, मेरा मतलब पढ़ने जाते हैं। और फिर दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रॉनी और रोहन दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये दोनों हमेशा ही साथ रहे हैं और इनकी दोस्ती जब जाहिर है ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। लेकिन पिछले कुछ वक्त से रॉनी रोहन से कुछ छुपा रहा था। वो दोनों अपनी केमिस्ट्री की क्लास में जाते हैं जहां उन्हें उनकी दोस्त सिया मिलती है जिसे रॉनी बहुत पसंद है, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पाई। लेकिन रोहन को ये बात पता है इसलिए वो इन दोनों को एक साथ बैठने के लिए कहता है और सिया के सामने विंक करता है। उसके बाद रॉनी को एक कॉल आती है और वो उठाता है और रोहन और सिया से कहता है गाइस मुझे जाना होगा। तब वो दोनों एक साथ बोलते हैं कहाँ, तब वो कहता है जाना है कहीं और सुन रोहन सिया को घर ड्रॉप कर देना। और तब रोहन कहता है अरे यार तू ऐसे मुझे डिच नहीं कर सकता, लेकिन वो उन दोनों को बाय बोलकर निकल जाता है। और सिया और रोहन एक दूसरे के सामने देखते हैं और सिया रोहन से कहती है कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब रोहन मुस्कुराते हुए कहता है गर्लफ्रेंड और अपना रॉनी नो चांस, गया होगा किसी काम से, कहां जाएगा आके बता देगा मुझे और मैं तुझे। तब सिया उसे एक स्माइल देती है और फिर रोहन उससे कहता है चल मेरी क्राइम पार्टनर, तब तक कैंटीन चलते हैं और कुछ कांड करते हैं। और फिर वो दोनों क्लास से चले जाते हैं। अगले सीन में हम रॉनी को एक बंद वेयर हाउस में जाते देखते हैं जहां वो छुपते छुपाते जा रहा है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है एक मास्क मैन उसका इंतजार कर रहा होता है जो रॉनी से पूछता है कैसा चल रहा है मिशन। तब रॉनी कहता है अच्छा। ये सुन वो आदमी उसे एक बॉक्स देता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ये सुन रॉनी अपना सिर हिलाता है और उस बॉक्स को अपने बैग में रख कर वहां से चला जाता है। कौन है वो मास्क मैन। गुड न्यूज के साथ आए टाइगर श्रॉफ। क्या टाइगर बन गए हैं टाइप्ड एक्टर्स एक्शन के मामले में, क्या कहना है क्रिटिक्स का फिल्म को लेकर। बागी की चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। 2016 में रिलीज हुई बागी में श्रद्धा और टाइगर मेन लीड में थे।
फिर बागी 2 में 2018 में रिलीज हुई थी, जिसमें टाइगर के साथ दिशा पाटनी मेन लीड में थी। फिर 2020 में आई बागी 3 जो कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लेकिन इस बार पार्ट 4 में टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर दोबारा लौटी हैं। पिछले तीनों फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन कमाई के मामले में पहले दो पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था। बागी 4 मार्च 2023 या 2024 तक रिलीज होगी। फिल्म बागी 4 के निर्देशक है अहमद खान। इस फिल्म की खास बात यह है कि वो बागी जो पहले समाज के खिलाफ था, आर्मी के खिलाफ था, इस फिल्म में वो पूरे राष्ट्र के खिलाफ होगा। इंडियन आर्मी का पारा SF सोल्जर रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी एक बार फिर वापस आया है, पहले से और भी मजबूत होकर। और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक घोर एक्शन फिल्म है और टाइगर श्रॉफ इसमें भी अपनी ऊंची छलांगों और अपने खतरनाक स्टंट से लोगों का दिल बहलाने वाले हैं। लेकिन फिर से ये सब देखकर यही लगता है कि टाइगर अब टाइप्ड हो चुके हैं, एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन। माना कि टाइगर की बॉडी और उसके एक्शन और स्टंट्स लोगों को एक्साइट करते हैं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। यूं लगता है कि टाइगर श्रॉफ की इमेज सिर्फ एक एक्शन हीरो की ही रह गई है, और अगर टाइगर एक्शन नहीं करेंगे तो वो टाइगर नहीं कहलाएंगे। किसी भी हीरो के लिए एक एक्टर होना ज्यादा अहमियत रखता है। एक्शन, डांस और फिटनेस तो सेकेंडरी है, इसलिए टाइगर को जल्द अपने लिए कुछ और भी सोचना जरूरी है। हालांकि टाइगर के चाहने वालों के लिए ये बागी 4 एक और एक्शन पैक रोमांच की खुशखबरी लेकर आया है। लोगों को जो चाहिए उन्हें वही मिलने वाला है। टाइगर के स्टंट्स और एक्शन शायद उनके चाहने वालों को कभी बोर न करे, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स देर सवेर ये बात बोल ही देंगे कि भाई टाइगर मियां थोड़ा कम उछल कूद करे, अब हम बोर हो गए हैं। और कोई क्रिटिक्स बुराई करे या ना करे, लेकिन KRK साहब तो वैसे भी बॉलीवुड पर निशाना साधे रहते हैं। ऊपर से अगर वो नेपो किड है तो मतलब खत्म, टाटा गुड बाय। ऐसी ऐसी बात बोलते ही खुद शर्म भी शर्मा जाए। और जब बागी 3 आई तब भी KRK ने ऐसे ऐसे बात किए कि मतलब पूछो ही मत। KRK ने कहा, अहमद खान जैसे डायरेक्टर और फरहाद सामजी जैसे राइटर की रितेश देशमुख जैसे टैलेंटेड एक्टर को वेस्ट कर सकते हैं और वेस्ट एक्टर को हीरो बना सकते हैं। बागी 3 सिर्फ हार्डकोर एक्शन लवर्स के लिए फिल्म है जो गुंडागर्दी करते हैं, बिना लॉजिक की है बागी 3। इस तरह से KRK ने क्रिटिसाइज किया था बागी 3 को। खैर, अब ये देखना होगा कि KRK बागी 4 पर क्या क्रिटिसिज्म फैलाता है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करता है बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? ए, टाइगर जिंदा है का कनेक्शन फिल्म से। लोग टाइगर के फिल्मों को आखिर क्यों देखने जाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्टारडम से भरी मूवी बागी 4 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफी दिनों से लोग टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का इंतजार कर रहे हैं। पिछले ही दिनों जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो लोगों को फिल्म की झलक देखने के लिए काफी उतावला देखा गया था। इतना ही नहीं, बागी 4 के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये साबित हो ही गया है कि उनकी इस फिल्म में सिर्फ एक्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान की फिल्मों में होता है। थोड़ा गौर करें तो पता चलेगा कि टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतार लिया है। अब सवाल ये है कि फिल्म आखिर होगी कैसे? तो अगर आपने सलमान खान की टाइगर जिंदा है देखी है और वह फिल्म आपको अच्छी लगी थी तो बेशक बागी 4 आपको पसंद आएगी। वैसे भी टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखने जाते हैं, जैसे सलमान खान की फिल्म को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतारने वाले काम किए हैं। जिस तरह सलमान खान की कोई भी फिल्म बिना एक्शन के अधूरी सी लगती है, ठीक उसी तरह टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने गए लोग ये मानकर ही सिनेमा हॉल में घुसते हैं कि आज तो टाइगर सब धुआं धुआं कर देगा। बागी फ्रेंचाइज की बाकी 3 फिल्में भी एक्शन से भरपूर थी और बागी 4 में तो एक्शन का डबल नहीं ट्रिपल डोज लग रहा है। सलमान खान की फिल्म लोगों को दो चीजें ध्यान में रखकर देखने जाते हैं, पहला है बॉडी और दूसरा है जलवा। टाइगर श्रॉफ ने सलमान वाली बॉडी तो पहले ही बना ली थी,
अब अपनी एक्शन फिल्मों से उनके जैसा जलवा भी बना लिया है। टाइगर जिंदा है देख चुके लोग ये जानते ही होंगे कि उसमें सलमान खान एक मिशन पर थे जिसके तहत उन्हें ISI के चंगुल में फंसी भारतीय नर्सों को छुड़ाना था। उन्हीं की तरह टाइगर श्रॉफ भी बागी 3 में एक मिशन पर हैं। खास बात यह है कि दोनों ही गल्फ देश में जाकर ISI के खिलाफ लड़ रहे हैं। बल्कि देखा जाए तो एक था टाइगर और फिर उसके सीक्वल टाइगर जिंदा है में भी सलमान भी मिशन पर थे और इधर बागी 2 बागी 3 में टाइगर श्रॉफ मिशन पर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सलमान खान देश के लिए मिशन पर रहते हैं जबकि टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल वजहों से मिशन पर निकल ही पड़ते हैं। इन सभी के बीच अगर कोई ये सोचकर सिनेमा हॉल जाए कि उसे एक बेहतर स्टोरी और शानदार एक्टिंग मिलेगी तो टाइगर श्रॉफ उनके लिए सिर्फ निराशा का सबक है। इतना ही नहीं, सलमान खान की फिल्मों की तरह ही टाइगर श्रॉफ की फिल्में भी फिजिक्स के नियमों को लागू नहीं करती हैं। ग्रेविटी से लेकर फोर्स तक इन फिल्मों में सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही निर्भर करता है। खैर, सारी बातों का निचोड़ बस इतना सा है कि अगर आप टाइगर जिंदा है आपको अच्छी लगी थी तो बेझिझक आपको टाइगर श्रॉफ की बागी 4 भी डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बता दें, बागी 4 की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फोटो शेयर की गई थी। इसके साथ ही मेकर्स ने लिखा, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों कि इससे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का भी निर्देशन कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ को वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार वो फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। भारत में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बावजूद टाइगर के फैंस उनकी ये फिल्म देखने के लिए बहुत ही जल्द में थिएटर्स पहुंचे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इससे पहले साल 2019 में टाइगर की फिल्म वॉर रिलीज हुई थी जो उनके करियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया था। वॉर में टाइगर और ऋतिक रोशन ने पहली बार साथ काम किया था। वेल, दर्शकों, अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पे एक मेहरबानी कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। है वो मिस यूनिवर्स जो एक्शन सीन्स भी करेंगी फिल्म में। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की गैलेक्सी में टाइगर श्रॉफ पोलर स्टार की तरह बिल्कुल अलग चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक फिल्मी सितारे की संतान होकर उन्होंने जो मुकाम पाया है उसका विवादों में न घिरना बताता है कि टाइगर में कुछ तो स्पेशल है, वो कुछ तो अलग कर ही रहे हैं जिसने उन्हें सबसे अनूठा बनाया हुआ है। टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में जिन बुलंदियों को छुआ है वो निश्चित ही एक पिता के रूप में जैकी श्रॉफ के लिए गौरव की बात है। टाइगर श्रॉफ पूरे बॉलीवुड के लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आखिर चमक दमक भरी ग्लैमर इंडस्ट्री में बेदाग रहकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। टाइगर को मेनली अनप्रिडिक्टेबल एक्शन स्टंट हीरोइज्म और ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर में से एक माना जाता है। इसीलिए जितनी भी एक्शन फिल्में आती हैं वो लगभग टाइगर के नाम हो जाती हैं। अब बागी 4 को ही देख लो। बागी की तीनों इंस्टॉलेशन में स्टंट एक्शन कर मन नहीं भरा तो इसकी चौथी इंस्टॉलेशन के साथ आ रहे हैं टाइगर और इस बार एक अलग लेवल का एक्शन करते नजर आएंगे। जैसे हम रोहित शेट्टी की फिल्मों में या उनके रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं ठीक वैसे ही स्टंट्स करेंगे। टाइगर बागी 4 के लिए एक अलग से डाइट ले रहे हैं जिससे वो रिक्वायर्ड बॉडी बना रहे हैं और जिम में भी खूब पसीना बहा रहे हैं। साथ ही साथ अपने आप को और भी स्मार्ट और हैंडसम हंक बना रहे हैं क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बागी 4 आ रही है और उसमें बॉडी होने चाहिए 8 packs एब्स। लेकिन इसके अलावा बागी 4 में 2015 की मिस यूनिवर्स भी नजर आने वाली है और वो है उर्वशी रौतेला। इस मूवी में उर्वशी रौतेला अलग अंदाज में ही नजर आने वाली हैं और वो अंदाज कैसा होगा आइए ये भी जान लेते हैं।
अक्सर फिल्मी सितारे अपने किरदारों में खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में ये सितारे अपने लुक के साथ कोई बदलाव करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इसके अलावा अगर कुछ अलग सीखने की बात हो तो उसमें भी कोई कलाकार नहीं कतराता। अब उर्वशी रौतेला भी ऐसे ही सितारों में शामिल हो गई है। दरअसल उर्वशी रौतेला इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी भूमिका के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और मार्शल आर्ट मज़ेदार है। उर्वशी ने कहा, मुझे अपनी एक्शन फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करने और एक नया कौशल सेट सीखने का विचार पसंद आया है। चाहे वो मैथाई, काली, फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग या बोजुत्सु हो, मेरे लिए ये जीवन के लिए स्कूल जैसा है। अभिनेत्री ने आगे कहा, मार्शल आर्ट मज़ेदार है, ये सब कुछ डांस की तरह कोरियोग्राफ किया गया है, जो अच्छा है क्योंकि ये मार्शल आर्ट के लिए बड़े किक और फ्लिप की शानदार पहलुओं को साथ बहुत मज़ेदार है। अभिनेत्री ने अपनी आगामी एक्शन फिल्म बागी 4 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और गुंडों को पछाड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि फिल्म टाइगर के साथ साथ उर्वशी भी गुंडों को ढिशुम ढिशुम मारती नजर आने वाली हैं। अब आप ही बताओ कि बला की खूबसूरत स्टनिंग एक्ट्रेस ऐसे ऐसे स्टंट करेंगी तो कितने लड़कों के दिल घायल हो जाएंगे। खैर, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? एक दिन में 100 करोड़ पार। अहमद खान ने 2004 में लकीर और 2007 में फुल एंड फाइनल जैसी फिल्म में डायरेक्ट की थी और उसके बाद सीधा 11 साल बाद बागी 2 को डायरेक्ट किया और अब बागी की चौथी फ्रेंचाइजी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। पहली वाली बागी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी किया था। बागी 4 तेलुगु फिल्म क्षणम की हिंदी रीमेक है। क्षणम ने साउथ में तगड़ा बिजनेस किया था, जिसे देखते हुए इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला हुआ। आखिर कैसी बनी ये फिल्म, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज हम आपको बताने जाएंगे कि बागी 4 कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। टाइगर श्रॉफ और अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी की पहली 2 फ्रेंचाइजी अच्छा खासा कमाकर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, लेकिन बागी 3 में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस बॉक्स ऑफिस पर जो डेरा जमाए हुए थे, तो फिल्म अच्छे से कमा नहीं सकी। क्योंकि अब फिल्म का चौथा इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो सभी को फिल्म से और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भरपूर उम्मीद है। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमी बागी 3 में हुई थी वो भी कवर अप करेगी बागी 4। बता दें कि उम्मीद बताई जा रही है कि बागी 4 में फर्स्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है, वो भी 100 करोड़ की ओपनिंग के साथ। अगर ऐसा होगा तो ये रिकॉर्ड कई सालों तक शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। साथ ही ये टाइगर की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म में लीड हीरोइन की भूमिका में सारा अली खान को कास्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब की शहजादी नजर आने वाली है टाइगर के साथ। 2020 में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी 3 की असफलता के बाद मेकर्स ने इसके अगले 5 की घोषणा कर दी थी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के लगने के बाद मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे थे। सभी फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होने के बाद मेकर्स भी बागी 4 को जल्द से जल्द फ्लोर पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फीमेल लीड की एंट्री हो गई है और वो है सारा अली खान। सारा अली खान को बागी 4 ऑफर हुई है। इससे पहले साजिद नाजरवाला के बैनर तले बन रही फिल्म हीरोपंती 2 भी सारा को ऑफर हुई थी, लेकिन ड्रग मामले में नाम आने के बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। हालांकि साजिद ने उन्हें एक और फिल्म में लेने का वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक साजिद ने सारा अली को बागी 4 के लिए चुना है। सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। दोनों स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेताब है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार्स के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआती फिल्म हीरोपंती से की थी, अब वो एक लंबा सफर तय करके बागी 4 के साथ वापस अपने एक्शन मोड पर आ चुके हैं। कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में वो सब कुछ हैं जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए जरूरी है। फिल्म में टाइगर के अलावा बेहद खूबसूरत उर्वशी रौतेला लीड रोल में नजर आने वाली है।
अब बॉलीवुड ठहरा कॉपीकैट, बिना कॉपी किए शायद ही कभी कोई फिल्म बनी रहेगी। साउथ की फिल्मों का रीमेक बना बना कर ही तो अपना घर चला रहे हैं बॉलीवुड के मेकर्स। आप खुद ही देख लो ना, सलमान की वॉन्टेड भी साउथ मूवी, पोकिरी का रीमेक मूवी थी, फिर राउडी राठौड़ विक्रमाकांदू का रीमेक थी, अपने कबीर सिंह भी तो अर्जुन रेड्डी का रीमेक ही था। अब जहां बड़े बड़े दिग्गज रीमेक में काम कर रहे हैं तो आपके चाहने वाले एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, टाइगर की बागी 4 तमिल की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 का रीमेक है। टाइगर के साथ साथ फीमेल लीड की बात करें तो इसमें आपको उर्वशी रौतेला नजर आने वाली है, जो टाइगर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। साउथ की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 के रीमेक की शूटिंग 1 दिसंबर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस और एक्शन करते हुए नजर आएंगी। जबकि मूवी में विलन का रोल का किरदार निभाएंगे इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग लखनऊ में भी की जाएगी। इससे पहले टाइगर बागी, बागी 2 और बागी 3 का भी हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका हर बार बदल दी जाती है और इस बार भी वैसा ही हुआ। ना ही दिशा को कास्ट किया, ना ही श्रद्धा को, हाथ मारा भी तो किस पे, सीधा मिस यूनिवर्स पर। खैर, आपको क्या लगता है कैसी होगी उर्वशी और टाइगर की जोड़ी, और आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आने वाली बागी 4 से क्या अलगाव से होगा बदला? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम स्टूडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशम। दोस्तों, टाइगर अपनी धुरंधर एंट्री के साथ एक बार फिर आ रहे हैं बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर वापस। इस बार इनकी एंट्री होने वाली है बागी 4 से। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि टाइगर बैक टू बैक मूवीज ला रहे हैं, लेकिन वो बैक टू बैक फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। टाइगर की छुपे की एक्शन स्किल जो कि उनकी मोस्टली मूवीज में काम आती है, अब हो रही है फिर सिर्फ एक एक्शन ही है जिसके बेसिस पर आज तक टाइगर बॉलीवुड में बने हुए हैं, लेकिन अब वो एक्शन भी नहीं चल पा रहा है उनकी मूवीज में। साथ ही और इसी के चलते फैंस को उनकी इस मूवी की भी चिंता है। उनका ये मानना है कि शायद टाइगर का एक ही स्टाइल अब नहीं कर पा रहा है ऑडियंस को इम्प्रेस, जिसके चलते होना चाहिए ये अपकमिंग मूवी फ्लॉप। हालांकि दूसरी तरफ कुछ फैंस टाइगर की इस मूवी को लेकर काफी श्योर भी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले पार्ट में काफी अच्छा काम किया था मूवी को, साथ ही सक्सेसफुल बनाया था। तो इसी सहारे फैंस ये भी मान रहे हैं कि ये आने वाला पार्ट भी मचा सकता है धूम। होने का हो सकता है कि टाइगर इस बार एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते नजर आए और तब शायद मूवी सक्सेसफुल भी हो सकती है। साथ ही साथ हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार टाइगर दिखेंगे एक नए अवतार में, जो कि मे बी उनके स्टाइल से थोड़ा अलग हो लुक वाइज। जहां वो हमेशा एक टफ एंड इंटेंस लुक में देखे जाते हैं, वहीं हो सकता है इस मूवी में उनका स्टाइल हो थोड़ा फॉर्मल और डिफरेंट। उनका इनोसेंट फेस और फॉर्मल लुक वैसे भी उन पर काफी सूट करता है, लेकिन फिलहाल ये तो अजम्पशन बेसिस पर हो रही है बातें। लेकिन क्यों ना एस ऑडियंस आप हमें बताएं कि इस बार टाइगर को किस अवतार में देखना। इस स्टार कास्ट की एक्टिंग, क्या एक बार फिर मनोज वाजपेयी नजर आएंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये गेस किया जा रहा है कि टाइगर और सारा की टकराव टिपिकल कॉलेज वाले प्यार की तरह होगी, जहां दोनों की मुलाकात कॉलेज में होगी। एज यूजुअल कॉलेज वाला प्यार, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। दिन खुशनुमा बीत रहे होंगे, टाइगर और सारा फैसला करेंगे कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी दिन सर के साथ एक हादसा हो जाएगा, जिससे दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसा कि हमेशा होता आया है, इस प्रेमी जोड़े को अलग होना पड़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब देखते हैं मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन को कैसे खींचते हैं। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन हर किरदार का रोल इतना दमदार और इफेक्टिव होने वाला है कि कहीं भी कुछ बनावटी नहीं लगेगा।
फिल्म में मनोज वाजपेयी का रोल डीआईजी का होगा, जो कि बागी के दूसरे सीक्वल में भी नजर आए थे। कमाल की बात तो ये है कि मनोज वाजपेयी बागी 2 में भी डीआईजी थे, मतलब इस बार बागी 4 में भी एक बार फिर लौट रहे हैं डीआईजी साहब। और लौटना तो था ही उन्हें, क्योंकि बेहद सहज और उम्दा अभिनय जो था उनका। बता दें कि बागी 2 रणदीप हुड्डा भी पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, जो कि सेल्फी लेने के शौकीन थे, और वो अपना हुलिया इस तरह बनाकर रखते थे कि एक पुलिस वाले कम एक चर्सी ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर बात मनोज वाजपेयी की करें तो बागी 4 में चोरों को पकड़ने का अंदाज निराला होने वाला है, और उनका यही नया एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अपने किरदार में जमी है। टाइगर और सारा के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि सारा अली खान इस बार अबला नारी नहीं, बल्कि WWE से इंस्पायर्ड होकर आ रही हैं। अरे अरे, अब ये मत समझिएगा कि सारा एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग करेंगी। हमारा WWE से ये मतलब था कि सारा बागी के चौथे इंस्टॉलेशन में टाइगर के साथ मिलकर गुंडों के छक्के छुड़ाने वाली हैं। उसके लिए सारा बेहद पसीना बहा रही हैं, कई सारे स्टंट भी सीख रही हैं। मतलब इस बार भोली भाली सारा का डेंजर अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि सारा अली खान के लिए काफी एक्साइटिंग है, और उनके साथ साथ उनके फैंस के लिए भी। जब से सारा अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया है, तभी से उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाए जाने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हीरोपंती की अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सारा के साथ हीरोपंती 2 बनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत में जुड़े ड्रग चैट केस में सारा अली खान को NCB के समन मिलने के कारण सारा का नाम फिल्म से हटा दिया गया था और तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया था। साजिद ने सारा अली खान को अपनी फिल्म में लिए जाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें एक और बड़ी फिल्म ऑफर की, और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी 4 थी। खबर है कि सारा अली खान को टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में कास्ट किया गया है। साजिद ने फिल्म में फीमेल लीड के लिए सारा का ही नाम फाइनल किया है। दरअसल पहले हीरोपंती 2 में सारा को लिया जाना था, लेकिन उनकी जगह तारा सुतारिया को लिया गया था। वेल, अब देखते हैं कि कितनी मजेदार होगी सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। विलन्स कहां कहां के होंगे? क्या चाइना वालों के साथ फाइट करेंगे टाइगर श्रॉफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी को खूब पसंद किया गया। अब इसकी चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ही लीड रोल निभाएंगे। बागी 4 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, तो आज हम आपको बागी 4 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातों का सिलसिला। बागी 4 एक ऐसी फिल्म होगी जो टाइगर श्रॉफ के एक्शन टैलेंट को और निखारने के मकसद से बनाई जाएगी, मगर उस एक्शन को किसी कहानी में फिट करना पड़ेगा। इसी आइडिया के साथ साजिद नाडियाडवाला, अहमद खान और रजत अरोड़ा बागी 4 की कहानी लिख रहे हैं। बागी 4 में आपको देखने को मिलेगा कि जिस जिसके साथ पंगा लेगा वो सब लोग उसे मारना चाहेंगे। फिल्म को इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया जाना है, इसीलिए ये सारे विलन दुनिया के अलग अलग हिस्से के होंगे, कोई इजिप्ट से, कोई चाइना से। अब इनडायरेक्टली ही सही, चाइना के लोग को मारते मारते देश खुनस निकाल सकते हैं टाइगर। खैर जोक्स अपार्ट, ये फिल्म एक पूरे मसाला एंटरटेनर होगी। मसाला एंटरटेनर कहने का मतलब है फिल्म को देख मजा तो बहुत आएगा, बट फिल्म में कोई लॉजिक नहीं होगा। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, तो ये फिल्म बात बात पे नए तरीके निकलेगी। मतलब फिल्म में बहुत शॉर्ट फॉर्म उसे किए जाएंगे बात करने के लिए, जैसे हम आप जब अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, बस उसी तरह फिल्म में कोई एब्रिविएशन यूज किए जाएंगे। टाइगर फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि ये आपको इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ के मुंह से छोटे बच्चे हो क्या और सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं जैसे डायलॉग्स सुनने को मिलने वाले हैं, मगर उसकी कॉल बैक वैल्यू इतनी नहीं बची कि आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। और क्यों नहीं बची, इसकी वजह ये भी है कि आजकल रील्स में हमें हर किसी से ये डायलॉग सुनने को मिल रहा है, तो अब हम उसमें मजा नहीं रहा। ये फिल्म हर बीतते सीन्स और सीक्वेंस के साथ क्रिंज कंटेंट में तब्दील होती जाएगी। आप बस ये देखते रहते हैं कि मामला और कितना खराब हो सकता है। हैरानी की बात ये है कि आप जितना सोचते हैं मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब हमने इसीलिए ये कहा कि हम तो यही सोचते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट अच्छी होगी, लेकिन मिलती है हीरोपंती 2 जैसी बोरिंग कहानी। हीरोपंती 2 का भी कितना क्रेज था, लेकिन हुआ क्या, मूवी पिट गई।
अब देखते हैं क्या होगा बागी 4 के साथ। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैसी होने वाली है फिल्म की स्क्रिप्टिंग? कौन बागी 4 में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, हीरोपंती 2 के बाद एक बार फिर से डायरेक्टर अहमद खान और टाइगर श्रॉफ एक साथ बागी 4 फिल्म लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या होगा चौथी इंस्टॉलमेंट में। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही कॉमन होगी, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा होगी। शूटिंग के हिसाब से अहमद खान कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सीन्स को फिल्माया जाएगा। कहानी काफी मजबूत होगी, लेकिन सबसे बड़ी कड़ी है कि फिल्म में टाइगर, सारा और सुधीर बाबू की मौजूदगी फिल्म को और दिलचस्प बनाएगी। आपको फिल्म में टिपिकल साउथ जैसा फ्लेवर देखने को मिल सकता है। हीरो, हीरोइन और विलेन की मौजूदगी से फिल्म को प्रिडिक्ट कर पाना आसान हो जाता है। एक्शन बहुत ही ज्यादा है, जो कि कहानी में काफी उतार चढ़ाव लाएगा। वैसे सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे आप? तो दोस्तों, विनोद प्रधान की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है और वही है इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर। खास बात तो यह है कि बागी सीरीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को भी विनोद ने ही सिनेमेटोग्राफ किया था। तो बागी 4 विजुअल के हिसाब से काफी रिच होने वाली है। तो बता दें, बागी 4 में सारा को भी अपना किरदार पसंद आया है और अब उनकी टीम फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स निकाल रही है। टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 रिलीज होने का वेट कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में आ गई गणपत। तो अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि गणपत के बाद बागी 4 की शूटिंग शुरू कर देंगे। सारा ने अभी अपनी फिल्म अतरंगी रे में गजब की एक्टिंग की थी। उनको इस फिल्म के लिए ऑडियंस का बहुत सारा प्यार भी मिला था। अभी उन्हें विक्की कौशल के साथ दी इमोर्टल अश्वात्मा और दिनेश विजान की एक फिल्म की शूटिंग पूरी करनी है। निश्चित तौर पर फैंस को पर्दे पर इस नई जोड़ी को देखने का इंतजार रहेगा। जब सारा इन सब मूवीज से बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, तब बागी 4 की शूटिंग में जुड़ जाएंगी। टाइगर श्रॉफ अपने 8 साल लंबे करियर में चौथी बार बागी बनने जा रहे हैं। आम तौर पर लोग जिन चीजों से बचने के लिए बागी बनते हैं, टाइगर बागी बनकर वही चीजें करते हैं। लेकिन बागी 4 का अपनी सीरीज की पिछली फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होने वाला है। खैर, देखते हैं कि बागी 4 में कैसा होने वाला है सारा अली खान का रूप। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। होगी स्टार कास्ट की एक्टिंग? क्या एक बार फिर मनोज वाजपेयी नजर आएंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये गेस किया जा रहा है कि टाइगर और सारा की टकराव टिपिकल कॉलेज वाले प्यार की तरह होगी, जहाँ दोनों की मुलाकात कॉलेज में होगी। एज यूजुअल कॉलेज वाला प्यार, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। दिन खुशनुमा बीत रहे होंगे। टाइगर और सारा फैसला करेंगे कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक उसी दिन सर के साथ एक हादसा हो जाएगा, जिससे दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसा कि हमेशा होता आया है, इस प्रेमी जोड़े को अलग होना पड़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब देखते हैं मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन को कैसे खींचते हैं। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन हर किरदार का रोल इतना दमदार और इफेक्टिव होने वाला है कि कहीं भी कुछ बनावटी नहीं लगेगा। फिल्म में मनोज वाजपेयी का रोल DIG का होगा, जो कि बागी के दूसरे सीक्वल में भी नजर आए थे। कमाल की बात तो ये है कि मनोज वाजपेयी बागी 2 में भी DIG थे, मतलब इस बार बागी 4 में भी एक बार फिर लौट रहे हैं DIG साहब। और लौटना तो था ही उन्हें, क्योंकि बेहद सहज और उम्दा अभिनय जो था उनका। बता दें कि बागी 2 रणदीप हुड्डा भी पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, जो कि सेल्फी लेने के शौकीन थे, और वो अपना हुलिया इस तरह बनाकर रखते थे कि एक पुलिस वाले कम एक चर्सी ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर बात मनोज वाजपेयी की करें, तो बागी 4 में चोरों को पकड़ने का अंदाज निराला होने वाला है, और उनका यही नया एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अपने किरदार में जमी है। टाइगर और सारा के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि सारा अली खान इस बार अबला नारी नहीं, बल्कि WWE से इंस्पायर्ड होकर आ रही हैं। अरे अरे, अब ये मत समझिएगा कि सारा एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग करेंगी। हमारा WWE से ये मतलब था कि सारा बागी के चौथे इंस्टॉलेशन में टाइगर के साथ मिलकर गुंडों के छक्के छुड़ाने वाली हैं।
उसके लिए सारा बेहद पसीना बहा रही हैं, कई सारे स्टंट भी सीख रही हैं। मतलब इस बार भोली भाली सारा का डेंजर अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि सारा अली खान के लिए काफी एक्साइटिंग है और उनके साथ साथ उनके फैंस के लिए भी। जब से सारा अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया है, तभी से उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाए जाने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हीरोपंती की अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सारा के साथ हीरोपंती 2 बनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत में जुड़े ड्रग चैट केस में सारा अली खान को NCB के समन मिलने के कारण सारा का नाम फिल्म से हटा दिया गया था और तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया था। साजिद ने सारा अली खान को अपनी फिल्म में लिए जाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें एक और बड़ी फिल्म ऑफर की और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी 4 थी। खबर है कि सारा अली खान को टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में कास्ट किया गया है। साजिद ने फिल्म में फीमेल लीड के लिए सारा का ही नाम फाइनल किया है। दरअसल पहले हीरोपंती 2 में सारा को लिया जाना था, लेकिन उनकी जगह तारा सुतारिया को लिया गया था। वेल, अब देखते हैं कि कितनी मजेदार होगी सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी। तेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? क्या कभी बागी को हम टाइगर श्रॉफ के बिना इमेजिन कर पाएंगे? कौन सी फिल्म थी ये जिसमें बागी शब्द टाइटल के लिए ओरिजिनली इस्तेमाल किया गया था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीवुड डैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल बॉलीवुड डैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज जब बागी शब्द सुनते हैं तो आप मृगया में नेशनल अवार्ड विनिंग मिथुन चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं या किसी रियल बागी के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले आता है इंडिया का नया एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ का चेहरा। टाइगर श्रॉफ की मेहनत, ओरिजिनलिटी और तपस्या की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने कन्वेंशनल कैरेक्टर को अपना बनाकर दिखा दिया। लेकिन बॉलीवुड के एक और फॉरगॉटन बागी हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे बेचारे एक्टर को कोई याद ही नहीं करता, है ना? क्योंकि क्या है ना, बॉलीवुड में ही नहीं दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, अच्छे किरदारों में नजर आए हैं, कई लोगों का मनोरंजन किया है, मगर जैसे ढलते सूरज की तरह जवानी भी ढल जाती है, तब उस बीते सूरज को कोई याद नहीं करता। फिर एक नई सुबह आती है और एक नया सूरज लोगों को अपनी किरणों से गर्माहट देता है। मगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल उतना गंभीर भी नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार भाईजान सलमान खान की। सलमान खान आज के जमाने में बॉक्स ऑफिस के सेवियर माने जाते हैं। उनकी फिल्में लोग बार बार सिनेमा हॉल्स में जाकर देखते हैं, कुछ तो उनको अपना सब कुछ मानते हैं। फैंस उन्हें प्यार से भाई कहकर बुलाते हैं, इतना भाई बुलाया कि उनकी शादी ही नहीं हो पाई। चलिए जोक्स अपार्ट, सलमान खान की फिल्मों में कई सारी चीजें गारंटीड होती हैं। सीटी मार, एक्शन सीन, ताली बजाओ डायलॉग्स और मजेदार गाने, साथ ही साथ हाथी जैसी बड़ी ओपनिंग, बड़ी वीकेंड कलेक्शंस, हाउसफुल सिनेमा हॉल्स और कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस। चाहे फिल्म जितनी भी खराब या अच्छी हो, 100 करोड़ का बिजनेस तो बन ही जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सलमान भाई हमेशा अपने फैंस को वही देते हैं जो वो चाहते हैं। वो हमेशा अपने फैंस को वही अवतार दिखाते हैं जिसे देखकर फैंस खुश होते हैं। सलमान ने आज तक कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले नहीं किए और ना ही कभी अश्लील सीन्स या गंदी गालियां दी हैं। उन्होंने आज तक कभी किसिंग सीन्स भी नहीं किए, पर हाल ही में अभी रिलीज हुई राधे के ट्रेलर में उन्होंने दिशा पटानी के साथ ही नो किसिंग पॉलिसी तोड़ दी है, इसीलिए क्योंकि वो अपने फैंस के लिए कोई बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते। मगर 90s में सलमान खान भी सिर्फ रोमांटिक फिल्में करते थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया में भी रोमांस किया था, मगर फिर भी उन्हें एक अच्छा सुपरस्टार का रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि या तो कभी उनकी फिल्में माधुरी की वजह से या कभी काजोल की वजह से हिट हो जाती थी या फिर कभी अच्छे गानों की वजह से। मगर वांटेड के साथ ये बदल गया
और सलमान बॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल स्टार्स में से एक हो गए। तब सिर्फ रोमांटिक फिल्में करने वाले सलमान ने एक दो एक्शन फिल्में भी की थी और उनमें से एक थी बागी। बागी में सलमान ने पहली बार एक इन एंड आउट एक्शन फिल्म में कदम रखा और तब उनके फेवर में उनका फिजिक भी काम कर गया। सलमान के इस हुनर को अगर लोग तभी पहचान जाते तो शायद वो तभी एक सुपरस्टार बन जाते, मगर उन्हें वांटेड तक का इंतजार करना पड़ा। तो ये थी कहानी कि कैसे सलमान खान जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को अपने एक्शन के हुनर को फिल्म बागी में मैनिफेस्ट करने के बावजूद भी इतना लंबा सफर तय करना पड़ा एक सुपरस्टार बनने के लिए, जबकि टाइगर श्रॉफ ने ये अपनी पहली ही फिल्म में कर दिखाया। फिल्म की हीरोइन थी साउथ एक्ट्रेस नगमा। नगमा ने प्रभु देवा के साथ मुकाबला सॉन्ग में भी डांस किया था। नगमा एक बहुत ही सक्सेसफुल साउथ एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी की उन्होंने और फिल्म पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। ये बॉलीवुड एक्शन फिल्म्स में साउथ की हीरोइंस को लेने का ट्रेंड शुरू करने वाली कई फिल्मों में से एक फिल्म थी। आप हमें बताइए कि अगर पुरानी बागी आपने देखी है तो बॉलीवुड का बेटर बागी कौन है, टाइगर श्रॉफ या सलमान खान? साथ टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 कहां शूट की जाएगी, टाइगर श्रॉफ इस साल कितने देशों में शूटिंग करने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर। मगर उससे पहले हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अब तक की सारी फिल्मों में 30 साल बाद बिना किसी शक के बागी को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। बागी फिल्म के बाद लोगों का टाइगर को देखने का नजरिया बदल गया। बॉलीवुड की सारी बड़ी फिल्में अक्सर फॉरेन लोकेशंस में शूट की जाती हैं, मगर टाइगर की पहली फिल्म जो कि एक बड़ी फिल्म थी उसकी शूटिंग पूरी इंडिया में ही की गई थी। फिर उनकी पहली बागी फिल्म थाईलैंड के साथ साथ इंडिया में एक्सटेंसिवली शूट की गई थी। सोमा केरला प्लेस नाम की एक जगह को इस फिल्म में कर्मा इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल ऑफ गुरुस्वामी के नाम से दिखाया गया था। इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों में से पहला पार्ट और उसके गाने बहुत मशहूर हैं। फिल्म के गाने छम छम और सब तेरा उस साल के चार्ट बस्टर्स थे। सब तेरा गाना देख कर आप जान पाएंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। क्या वो गोवा है? नहीं नहीं, वो है थाईलैंड का खूबसूरत पोर्ट आइलैंड। अगली बार जब आप वहाँ जाएंगे तो सब तेरा गाने के साथ रील्स बनाकर अपने हॉलीडेज को यादगार जरूर बना सकते हैं। फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे कामयाब पार्ट है बागी 2, जो तेलुगु फिल्म शनम का रीमेक है। 590 मिलियन के टोटल बजट पर बनाया ये फिल्म काफी जगहों पर शूट किया गया है। फिल्म को मुंबई, पुणे, शंघाई, गोवा, चाइना, मनाली और थाईलैंड में शूट किया गया है। फिल्म में टाइगर का कैरेक्टर आर्मी में होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली के कोठी में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिल्म में लोकेशंस को पूरी तरीके से रियल दिखाने की कोशिश की गई है। जब टाइगर का किरदार गोवा पहुंचता है तब एक सीन में मांडवी ब्रिज के पास उसे दिखाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, उससे ऑडियंस फिल्म देखने पर ज्यादा रिलेट कर पा रही है। अब चाहे रॉनी यानी कि टाइगर का किरदार कार के पीछे भागे या फिर दिशा का किरदार यानी कि नेहा की बेटी की खोज में गुंडों को पीटता हुआ नजर आए, सब कुछ रियल दिख रहा था। अगौड़ा फोर्ट में नजर आए ओ साथी गाना फ्लेम यूनिवर्सिटी विवेकानंद लाइब्रेरी में शूट किया गया था और उसके साथ ही 11 ईस्ट स्ट्रीट कैफे 3 में भी फिल्माया गया था। सोनिया दिल ने गाना पूला देशपांडे पार्क में शूट किया गया था और लो सफर गाना नॉर्थ गोवा के सेंट ऑगस्टिन्स रियूस में किया गया था, जहां चलते हुए रॉनी गोवा में अपने अतीत के बारे में सोचता है और उसी गाने का दूसरा पार्ट ओल्ड गोवा के पैनजिम में शूट किया गया था। फिल्म का ग्रैंड फिनाले शॉट और फेमस हेलीकॉप्टर सीन थाईलैंड के जंगल्स के क्राबी आइलैंड में शूट किया गया है। फिर आता है बागी 3। बागी 3 को मोरक्को, इजिप्ट, सर्बिया और टर्की में फिल्माया गया है। इस फिल्म को सीरिया में शूट करना चाहते थे मेकर्स, मगर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने सीरिया जाने के बजाय मेकर्स के लिए सर्बिया में सीरिया के टोपोग्राफी के अनुसार कंस्ट्रक्शन किया। वैसे तो अब तक के अनुसार बागी 4 को 10 देशों में शूट किया जाएगा ऐसी खबरें आ रही हैं, और हीरोपंती 2 के लिए 12 देशों में टाइगर शूटिंग करेंगे। तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो पूरे 22 देशों में काम करने वाले हैं टाइगर इस साल। आपको क्या लगता है,
ऐसे लोकेशन से काम करने से फिल्म को उसका चार्म और पिछले पार्ट्स जैसा दम पोस्ट पेंडेमिक टाइम में देखने को मिलेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हीरोइन क्या साजिद नाडियाडवाला भी चला रहे हैं नेपोटिज्म अपनी फिल्मों में? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी अभी एक सोर्स ने अपना नाम सीक्रेट रख के कंफर्म किया है बागी 4 की हीरोइन के बारे में। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस के होने की संभावनाएं बहुत तेज हैं, क्योंकि बागी 2 के लिए भी जैकी को हीरोइन कंसिडर किया जा रहा था, मगर बात नहीं बनी और जैकलीन सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ही कर पाई उस फिल्म में। और जैकी साजिद नाडियाडवाला के कितने करीब है वो तो हम सभी को पता है, मगर जैकलीन के फैंस के लिए दुख की बात हो सकती है कि इस बार जैकी नहीं दिखेंगी बागी 4 में। फिर कौन है ये हीरोइन जो बागी 4 में कंफर्म की जा चुकी है? क्या वो कृति सेनन है? क्योंकि कृति भी तो बागी 2 के लिए कंसिडर हुई थी, मगर बात वहाँ भी नहीं बनी। टाइगर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को लेकर आए इस फिल्म में। कृति भी साजिद के काफी करीब है और उनकी आगमी फिल्म बच्चन पांडे की हीरोइन भी है, तो मेकर्स के दिमाग में इसके लिए कृति भी आई थी, मगर फिर शायद वो दो बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ करने की वजह से इस फिल्म में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, इस फिल्म की हीरोइन है, वैसे वो 2 साल पुरानी है फिल्म इंडस्ट्री में। पिछले साल उनकी 2 फिल्में आई थी, वो कास्ट भी हुई थी टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट उनकी फिल्म हीरोपंती 2 के लिए, मगर फिर जब एक बहुत ही बड़े ड्रग्स केस में फंस गई पेंडेमिक के दौरान तो उनको इस फिल्म से भी निकाल दिया गया। क्या वो रकुलप्रीत सिंह है? टाइगर श्रॉफ के पिताजी और इनके पिताजी भी एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, और साजिद भी उन्हें बचपन से जानते हैं और उनके पिताजी के साथ फैंटम और रंगून में काम भी कर चुके हैं। उनके इस केस के बाद जब उनको निकाला गया था तब साजिद बेहद परेशान थे और इसीलिए अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्हें इस फिल्म में एज अ हीरोइन साइन कर लिया गया है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवाब की बेटी सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट नजर आने वाली है, ये बात अब पक्की हो चुकी है। तो टाइगर और सारा के लिए अब कितने फैन पेजेस बनते हैं ये देखना तो अभी बाकी है। इसके साथ ही सारा ने अनंत एल राय की फिल्म अतरंगी रे कंप्लीट कर ली है। दिनेश विजान की अपकमिंग अनटाइटल्ड जो शायद मेडॉग फिल्म करेगी। फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म अश्वत्थामा द इमॉर्टल ऑपोजिट विकी कौशल भी कर ली है। तो ऐसे में उनकी थाली अब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट से भरी पड़ी है। तो सारा कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स भी करने लगी है। खैर, आपको टाइगर और सारा की ये जोड़ी कैसी लग रही है फिलहाल हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस एक्सक्लूसिव खबर को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम क्या टाइगर ने अपनी फिल्मों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं टाइगर के आने वाले प्रोजेक्ट से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की अब तक की फिल्मों की कमाई के बारे में, कि कैसे टाइगर बने हर युवा दिल की धड़कन। टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तब से लेकर अब तक वो बॉलीवुड में अपना हिट साबित हुई। इस फिल्म ने टाइगर को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने रखा। ये पहली फिल्म थी जिसमें टाइगर का एक्शन देखा गया और तब से ही टाइगर एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिर 2016 में आई फिल्म फ्लाइंग जेट में टाइगर की जोड़ी जैकलीन के साथ दिखी। इस फिल्म को डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म खासकर बच्चों के लिए बनाई गई थी और इसे ज्यादातर ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया। 2650 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली और 55 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 30 करोड़ की कमाई करके फ्लॉप साबित हुई। टाइगर के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखे। एक फ्लॉप देने के बाद और बागी 2 जैसी ऐतिहासिक फिल्म की सफलता के बाद टाइगर का स्टारडम खूब बढ़ा, उनके फैंस बढ़ गए हैं। अब उनके नाम पर बड़े निर्माता निर्देशक विचार करते हैं और यही कारण है कि टाइगर कई बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल कर सकती है। इन्हीं बड़ी फिल्मों में बागी फ्रेंचाइजी की बागी 4 और वॉर 2 भी शामिल है। बागी 4 में टाइगर दिशा पटानी के साथ रोमांस और वॉर 2 में एक बार फिर ऋतिक के साथ एक्शन करते नजर आने वाले हैं।
इन दोनों ही बड़े बजट की फिल्मों में कितनी कमाई होने की आशंका है, ये सभी जानकारी हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। तो देखेंगे थ्री की कौन सी वीडियो सामने आई है, क्या टाइगर एक परफेक्शनिस्ट है, टाइगर और दिशा पर क्यों हुआ मामला दर्ज। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन की। बता दें कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार एक्शन और डांस के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले साल ही लॉकडाउन से ठीक पहले उनकी एक्शन और थ्रिलर फिल्म बागी 3 रिलीज हुई थी, जिसने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई। इस बीच एक्टर ने बागी 3 से अपने कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोनों ही वीडियोस काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्टर के फैन उनके इस वीडियो पर लगातार फीडबैक दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, हीरो के कुछ शॉट फेल हो गए, एक में मैं ठीक से पोज देने के लिए एक जगह पर खड़े नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे चारों तरफ चौपर के चलते मेरे आसपास तूफान जैसा फील था। दूसरे में मैं अपनी शर्ट भी नहीं फाड़ पाया, या तो ये -7 तापमान के चलते हुआ या फिर मैं बहाने बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि टाइगर परफेक्शनिस्ट है, लेकिन हाँ वो कोशिश करते हैं कि हर काम परफेक्ट हो। इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं और लगन से करते हैं। ऐसा ही कुछ सीन बागी 4 में भी होने जा रहा है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ इन दिनों विवादों के चलते चर्चा में छाए हुए हैं। टाइगर श्रॉफ के खिलाफ हाल ही में एक सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी वैलिड कारण के इधर उधर घूमने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज किया है। एक्टर के साथ ही उनकी रूमर्ड लेडी लव दिशा पाटनी के खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि युवाओं के अलावा टाइगर बच्चों के भी फेवरेट है। उनके एक्शन सीक्वेंस के बच्चे फैन हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में बागी, अ फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, बागी 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और वॉर सहित अन्य फिल्में भी की हैं। और आप टाइगर बागी 4 को लेकर आ रहे हैं, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीन होने वाले हैं, जिसके बिहाइंड द सीन वीडियो भी हमारे पास है। अगर आप बागी नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बागी सीरीज की एक के बाद एक फिल्म की सफलता देकर इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि 4 साल में सीरीज की 3 फिल्में आ गई। कमाई के मामले में ये फिल्म चाहे कितने भी आगे रही हो, परंतु बागी जैसा कमाल आगे की 2 फिल्में कतई नहीं कर पाई। पिछले साल ही रिलीज हुई बागी 3 को तो कोरोना कारण दर्शकों का उम्मीद जितना प्यार भी नहीं मिल पाया, परंतु ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी, जिसके बाद अब 4th भाग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं बागी 3 को लेकर हमारे क्या हैं विचार। लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी 3 जल्दबाजी का शिकार नजर आती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी 3 में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है। एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमजोर है। कहानी की नींव कमजोर रहने के कारण ही एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती है और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती। आपको सनी देओल की फिल्म घायल याद है, उसमें सनी अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर 2001 की फिल्म गदर में सनी अकेले ही पाकिस्तान से टकरा जाते हैं। ये बातें आपको बागी 3 में देखते समय याद आती है। ऐसा लगता है जैसे इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी 3 की कहानी तैयार की गई है। हमने आपको बताया था कि साउथ फिल्म वेताई पर आधारित थी, लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी 3 में नदारद है। साउथ इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन के बाद भी साजिद नाडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में काफी असफल रहे। रॉनी बने टाइगर का एक ही मिशन है कि किसी भी तरह अपने भाई को बचाना है। जो भी रॉनी और विक्रम यानी रितेश देशमुख के बीच आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रॉनी तबाही मचा देता है। फिल्म की शुरुआत बिल्कुल ही 80 के दशक के फिल्मों की तरह होती है। बचपन की मारामारी दिखाई जाती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं। रितेश देशमुख ने सीधा साधा दिखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है। कुछ ज्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी जिसमें विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। भाईचारा इंटरवल तक खींचा गया है और बेहद ही बोरिंग है। रॉनी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशन के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी एक खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है। रॉनी जब सीरिया पहुंचता है तो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है, लेकिन लॉजिक के अभाव में ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता। सीरिया पहुंचकर रॉनी जिस आसानी से अपने भाई को खोल लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है कि रॉनी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है।
हजारों गोलियां, हेलीकॉप्टर, टैंक, गोला बारूद, मशीन गन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक्शन को इतना ओवरलोड कर दिया गया है कि मजा और एंटरटेनमेंट तो कई मीलों पीछे छूट गया हो। बागी 3 को देखते समय ये बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और ये फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है। फिल्म के संवादों में बिल्कुल दम नहीं है और श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद तो अत्यंत घटिया है। गानों के मामले में फिल्म कंगाल है और पुराने हिट गीतों का सहारा लिया गया है। एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इनमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है। तो अब बात इस कड़ी में आने वाली चौथे भाग यानी कि बागी 4 की करते हैं। ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे कि फिल्म में टाइगर और सारा अली खान की फ्रेश जोड़ी होगी। सिर्फ एक्शन के आधार पर चलने वाली सीरीज के तीनों भाग के बाद अब बागी 4 में एक बार फिर धमाकेदार एक्शन होगा जिसकी शूटिंग इंडिया और विदेश समेत कई बेहतरीन लोकेशंस पर होगी। हालांकि इस बार टाइगर कोई आर्मी या पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक साधारण आदमी के रोल में होंगे जो लोकल गुंडा है और आए दिन नई लड़कियों को छेड़ता रहता है। हालांकि सारा से मिलने के बाद वो बदल भी जाता है और फिर उसी लड़ाइयां भी लड़ता है। आपको बता दें कि इसके अलावा टाइगर डबल रोल में भी होंगे जो वे खुद नहीं जानते होंगे। एक डुप्लीकेट दूसरे की जगह लेकर उसकी पोजीशन का गलत फायदा उठाएगा जिसकी भरपाई उस जगह के असली हकदार को करनी पड़ सकती है। तो फिल्म से जुड़ी कई और खास और अनोखी बातों के लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए आपको ये वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। बागी 4 में क्या होगा सारा अली खान का रोल? बागी 2 की कास्टिंग में क्या थी खास बात? 2018 में आई एक्शन फिल्म बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। भले ही फिल्म की कितनी ही आलोचना हुई हो परंतु ये बात सच है कि इस फिल्म ने महज 5 दिन में 95 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया था। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर बागी 2 की सफलता के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है। खास करके जब से बागी 4 की चर्चा हुई है तब से तो सब यही जानना चाहते हैं कि क्रिटिक्स और दर्शकों ने आखिर क्यों फिल्म को पसंद किया। आइए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं फिल्म के सफल होने की 5 प्रमुख वजह। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस फिल्म का एक्शन। बागी 2 के एक्शन सीक्वेंस इतने जबरदस्त है कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार खुद भी फिल्म और टाइगर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। यूं तो अपनी पहली ही फिल्म से ही टाइगर एक्शन हीरो का टैग पा चुके थे जो इस फिल्म तक आते आते और भी पुख्ता हो गया। खास बात यह है कि टाइगर अपने एक्शन सीन्स खुद ही बिना किसी स्टंटमैन के करने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक्शन के साथ साथ डायलॉग्स भी उम्दा है। फिल्म का एक सीन और संवाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये वो सीन था जिसमें हीरो टाइगर विलन को जीप के आगे बांध कर कहता है, पत्थर फेंकने तक तो ठीक था, तिरंगा जलाकर गलत कर दिया। ऐसे ही पावर पैक डायलॉग्स की बागी में भरमार है। हालांकि टाइगर की पर्सनालिटी पर इतने भारी भरकम डायलॉग सूट नहीं करते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं होता। क्रिटिक्स ने टाइगर के साथ साथ इसकी बाकी कास्ट की अदाकारी की भी जमकर तारीफ की थी। ये सही है कि टाइगर मात्र पिछली फिल्म के भरोसे इस सीरीज में है, वरना उनकी जगह कोई और भी चलता। मनोज बाजपेयी जहाँ पुलिसमैन की भूमिका में है, वहीं रणदीप हुडा अंडरकवर एजेंट है। दीपक डोबरियाल कार डीलर के रूप में दिखाए गए हैं। दीपक ने जिस तरह से एक लंगड़े हैदराबादी किरदार को निभाया है वो काबिले तारीफ है। तीनों ने उम्दा अदाकारी की है। फिर जब अगर रणदीप, मनोज और दीपक जैसे उम्दा कलाकार एक ही साथ एक ही फिल्म में आ जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अब आता है चौथा, म्यूजिक। फिल्म में कई गाने हैं जिनमें से कई आतिफ असलम ने गाए हैं। समय समय पर आने वाले आतिफ असलम के गाने कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब सीटी और तालियों के साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। मुंडिया तू बच के रही वाला गाना काफी बढ़िया बन पड़ा है और आज भी पार्टी की जान बना हुआ है। वहीं ओ साथी और लो सफर जैसे रोमांटिक गाने भी खूब जमते हैं। इतना ही नहीं, जैकलीन के ऊपर फिल्माया गया 1-2-3 तो फिल्म की रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गया था। बागी की सफलता इस बात से तो कोई नहीं मुकर सकता कि सीक्वल के पहले आई फिल्म का फायदा बेशक ही होता है। बागी 2 को उससे पहले आई बागी की सफलता का लाभ भी मिला।
फिल्म के बारे में दर्शकों को बताने के लिए निर्माताओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि दर्शक टाइगर से वाकिफ थे। फिर उधर टाइगर के साथ दिशा को कास्ट करके तो जैसे मेकर्स ने सोने बे सुहागा वाला काम कर दिया हो। दर्शकों ने इसे उस बागी का सीक्वल समझकर देखा जो काफी हिट रही थी। इसके साथ ही टाइगर की फैन फॉलोइंग का लाभ भी फिल्म को मिला। अब बात इस कड़ी में आने वाले चौथे भाग यानी कि बागी 4 की करते हैं। ये तो अब तक सब जान चुके हैं कि फिल्म में टाइगर और सारा अली खान की फ्रेश जोड़ी होगी। सिर्फ एक्शन के आधार पर चलने वाली सीरीज के तीनों भाग के बाद अब बागी 4 में एक बार फिर धमाकेदार एक्शन होने वाला है। हमने आपको बताया था कि इस बार टाइगर कोई आर्मी या पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक साधारण आदमी के रोल में होंगे जो लोकल गुंडा है और आए दिन नई लड़कियों को छेड़ता रहता है। हालांकि सारा से मिलने के बाद वो बदल जाता है और फिर उसी के लिए लड़ाइयां लड़ता है। आपको बता दें कि इसके अलावा टाइगर डबल रोल में भी होंगे जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। अब फ्रेंचाइज कैसे की अपने नाम? टाइगर की फिल्म फ्रेंचाइज के तीन कारक कौन से हैं? किन किन फिल्मों में नजर आने वाले हैं टाइगर आने वाले सालों में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी चार्म के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइगर की। आपको बता दें ब्लॉकबस्टर फिल्म बागी एक बेंचमार्क स्थापित करने में कामयाब रही है। इतना ही नहीं, इस फ्रेंचाइज ने बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ के रूप में सबसे कम उम्र का सुपरस्टार भी दिया है। टाइगर श्रॉफ सफल फ्रेंचाइज का चेहरा है जिसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नंबर के साथ धूम मचा दी थी। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में एकमात्र युवा अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में इतनी जल्दी इतनी फ्रेंचाइज अपने नाम कर ली हैं। अब अभिनेता एक्शन फ्रेंचाइज बागी की चौथी किस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसी के साथ टाइगर श्रॉफ फ्रेंचाइज अपने नाम करने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए हैं। अपनी इस उपलब्धि पर बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में बागी मेरे लिए घर की तरह बन गई है। हर बार एक बेहतर फिल्म देने का दबाव निश्चित रूप से बना रहता है। बहुत से लोग अपने करियर में इतनी जल्दी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बन पाते, इसलिए दबाव बड़ा था क्योंकि मैंने अभी इंडस्ट्री में कदम रखा ही था और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट फ्रेंचाइज फिल्म ही थी। तब से मुझे इसी को आगे बढ़ाना था। दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा काम स्वीकार किया और अब जब हम अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं तो हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि टाइगर ने अपने शानदार अभिनय और अद्भुत डांस के साथ हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। फिल्म के रिलीज के बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले टाइगर श्रॉफ ने रोहन के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया है। तो दोस्तों, बागी 2-3 की अपार सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ जल्द ही ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2, बागी 4 और रैम्बो की रीमेक में भी नजर आएंगे। टाइगर एक ऐसे एक्टर हैं जो हर चीज में आगे हैं। अब चाहे वो बिंदास लुक हो, खतरनाक एक्शन हो, फ्रेंचाइज के हीरो टाइगर की। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में गिने जाते हैं। चाहे फिल्मों में खतरनाक स्टंट सीन की बात हो या फिर मुश्किल डांस मूव्स की, टाइगर श्रॉफ अपने अंदाज से फैंस को चौंका ही देते हैं। हालांकि इन सब के लिए टाइगर कड़ी मेहनत भी करते हैं। अब दोस्तों, अभिनेता के ट्रेनर राजेंद्र ढोले ने हाल ही में टाइगर के फिटनेस रूटीन का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि डांस, मार्शल आर्ट, फिटनेस, सिंगिंग और अभिनय तक हर मामले में खुद को बेस्ट बनाने के लिए टाइगर क्या क्या करते हैं। दोस्तों, राजेंद्र ढोले कहते हैं कि टाइगर अगर किसी फिल्म के शूट पर बिजी नहीं होते हैं तो वो खुद की फिटनेस पर काम कर रहे होते हैं। इस दौरान वो किक बॉक्सिंग से लेकर जिमनास्टिक तक करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि टाइगर लगभग हर रोज 12 घंटे तक किसी नए टैलेंट की ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें डांस से लेकर वेट लिफ्टिंग भी शामिल होती है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान भी टाइगर अपनी फिटनेस इग्नोर नहीं करते। शूट पर कोई जिम नहीं होता है लेकिन टाइगर बॉडी वेट ट्रेनिंग और डाइट का खास ख्याल रखते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपने फैंस के साथ कई बार वर्कआउट वीडियो शेयर करते दिखाई देते हैं।
इसके अलावा उन्होंने एक बार फिल्म बागी 3 से अपना एक स्टंट सीन भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल हालातों में भी उन्होंने स्टंट को पूरी शिद्दत के साथ किया था। वो सीन हेलीकॉप्टर के आसपास शूट किया जाना था। ये दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हैं कि चॉपर के आसपास खड़े रहना ही कितना मुश्किल होता है, और यहाँ टाइगर उसके सामने स्टंट कर रहे थे, लेकिन बागी हीरो ने हार नहीं मानी और काफी शॉट के बाद सफल हो ही गए। अब दोस्तों बात करें वर्क फ्रंट की, तो टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत जैसी एक्शन ड्रामा फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इन फिल्मों में टाइगर का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। बागी 4 में भी फिर से कई हेलीकॉप्टर शॉट्स होंगे, जिसमें टाइगर को अब की बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी की पहले करनी पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अब की बार इन्हें इसकी टेक्निक पता चल गई है। तो क्या आप भी वो टेक्निक जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों हम मिलेंगे। बदल डाला था दिव्या भारती ने। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। यहाँ बात तो सच है कि बड़े पर्दे पर प्यारी खूबसूरत सी कहानियाँ दिखाने वाली एक्ट्रेस, फिल्म मेकर्स की निजी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, वे आपके मनोरंजन देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही एक निर्माता निर्देशक है साजिद, जो अपने काम के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। दिव्या भारती संग अपने रिश्ते को लेकर तो वो कई सुर्खियों और विवादों का हिस्सा भी बन चुके हैं। आइए जानते हैं साजिद और दिव्या की लव स्टोरी के बारे में। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली दिव्या भारती महज 14 साल की थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। महज 16 साल की उम्र में साजिद से दिव्या की पहली मुलाकात हुई थी 1990 में, जब फिल्म सिटी में गोविंदा और दिव्या फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया, फिर देखते ही देखते रोजाना साजिद सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवाना चढ़ा। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या साजिद की शादी हुई। दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना रखा। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने शादी की बात छुपाई रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लगा था, ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बार बार मना किया। 1992 में साजिद नाडियाडवाला ने चुपके से फिल्म अभिनेत्री दिव्या से शादी कर ली। इस शादी के इकलौते गवाह गोविंदा थे, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दिव्या की रहस्यमयी तरीके से एक अपार्टमेंट से गिरकर मौत हो गई, जिसकी वजह से आज भी कई लोगों के लिए ये पहेली बनी हुई है। उस समय मीडिया में आए रिपोर्ट्स में कहा जाता था कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। शादी के एक साल बाद ही दिव्या की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हालांकि आज भी ये साफ नहीं हो पाया है कि दिव्या की मौत सुसाइड थी या हत्या, ये मामला काफी सुर्खियों में छाया रहा। हालांकि साजिद इसके बाद भी कई रिश्तों को लेकर मीडिया का हिस्सा रहे हैं। अपनी अधिकतर फिल्मों में अक्षय कुमार या सलमान खान के साथ काम करने वाले साजिद ने कई नए सितारों को भी बॉलीवुड में जगह दी है। इन्हीं में से एक वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ हैं, जिन्हें उन्होंने 2014 की फिल्म हीरोपंती से कास्ट किया था, जिनमें से एक मशहूर एक्शन फिल्म सीरीज बागी भी है। गौरतलब है कि बागी की 3 फिल्में पहले ही आ चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म में टाइगर की ऑलमोस्ट जान ही चली गई थी। बता दें कि टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 का ट्रेलर 6 फरवरी को रिलीज हुआ था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर छा गया था। इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर को देखकर दर्शक टाइगर के डायलॉग्स और उनके एक्शन की खूब तारीफें करने लगे। फिल्म ट्रेलर में टाइगर कई एक्शन स्टंट्स करते दिखे थे, उनके खतरनाक स्टंट को देखकर दर्शक काफी हैरान हो गए। अब फिल्म में टाइगर के खतरनाक स्टंट और उनके एक्शन को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें, बागी 3 में टाइगर ने 400 बॉम्ब ब्लास्ट के बीच लाइव एक्शन सीन किया था। इन एक्शन सीन के दौरान वो कई बार बुरी तरीके से घायल भी हुए। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 के एक्शन सीन को लेकर बातें बताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में कुल मिलाकर 400 ब्लास्ट हुए थे, सारे एक्शन सीन्स लाइव फिल्म आए गए थे। बता दें, फिल्म में मेकर्स ने एक सीन के लिए 90-95 ब्लास्ट एक साथ फिल्माए थे। टाइगर के लिए काफी खतरनाक स्टंट था। इस सीन में किसी भी तरीके से VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये सब रियल था। इतना ही नहीं,
बागी 3 के सीन को रियल दिखाने के लिए 100 किलो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि इस दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म शूट हुई थी और वहां की आर्मी ने भी काफी मदद की। इन खतरनाक एक्शन सीन के दौरान टाइगर को कई बार काफी चोटें लगी। एक सीन टाइगर श्रॉफ बिना शर्ट के कर रहे थे, वो बिना शर्ट के भाग रहे थे, इसीलिए उनकी पीठ छिल गई और कट भी लगे। लेकिन टाइगर ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और सच में वो तारीफों के लायक हैं। आपको बता दें कि बागी 3 के एक्शन सीन की शूटिंग को इंडिया, मोरक्को, मिस्र, सर्बिया, तुर्की जैसी 5 अलग अलग देशों में फिल्माया गया है। हॉलीवुड स्तर के एक्शन सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्शन कोरियोग्राफर को भी टीम में शामिल किया गया था। अगर बात बागी 4 के एक्शन सीन की करें तो अब की बार इसकी शूटिंग को मॉस्को, रूस आदि देशों में फिल्माया जाने वाला है। लेकिन फिल्म में VFX के इस्तेमाल पर अभी भी फिल्म के निर्देशकों ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। शायद अब की बार भी उनका प्लान फिल्म में एक्शन सीन को रियल तौर पर फिल्माने का होगा। तो आप लोग फिल्म में रियल एक्शन देखना चाहते हैं? मैं हूं सिमरन ग्रोवर। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के इस जनरेशन के एक्शन स्टार कौन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ के एक धमाकेदार सीरीज की, जिस सीरीज की किंग है हमारे एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सीरीज बागी की अपकमिंग सीक्वल फिल्म बागी 4 की। ये सीरीज एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ सारी फिल्म्स को प्रोड्यूस किया गया था बाय ताजेश नाडियावाला अंडर द बैनर ऑफ नाडियावाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट। जहाँ इस सीरीज को फर्स्ट फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बाय न्यू डीवी मोशन पिक्चर्स और सेकंड और थर्ड फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन मिला था बाय फॉक्स स्टूडियो। ये कंप्लीट सीरीज इन्वॉल्व करती है 3 रिलीज फिल्म की और एक अपकमिंग सीक्वल फिल्म की, जहाँ फिल्म बागी 4 रिलीज किया गया था 2016 में और बागी 2 को रिलीज किया गया था 2018 में और बागी 3 को रिलीज किया गया था 2020 में। जी हाँ, जहाँ हर फिल्म की स्टोरी एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है और वो है हमारे सीरीज के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, अब जब इस फिल्म की सीक्वल यानी बागी 4 की बात हो रही है तो बता दें कि इस फिल्म में एक्टर टाइगर श्रॉफ जो हमें इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई देंगे। हालांकि इस फिल्म में जुड़े